ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल हम लोग सुन रहे थे सूर्य वंश नभग महाराज का चरित्र, नभग के पुत्र नाभाग भजन करने के लिए गए और उनके लौटने के पहले ही भाइयों ने अपनी संपत्ति बांट ली थी, लेकिन वो पिताजी के बताए हुए उपाय से बाद में धन प्राप्त कर लिए, जिसको कल सुने नाभाग महाराज का चरित्र। तो उसी क्रम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसी नभग के पुत्र थे नाभाग, और नाभाग महाराज जो भगवान रुद्र की कृपा से धन प्राप्त किए, उनके प्रसिद्ध पुत्र हैं अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज के विषय में एक अद्भुत बात कहते हैं कि ये अम्बरीश महाराज एक ऐसे धर्मात्मा भगवत भक्त थे जिनको ब्रह्म साप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, स्पर्श ही नहीं कर पाया। महाराज अम्बरीश को ब्रह्म साप स्पर्श नहीं कर पाया, यह सुनकर महाराज परीक्षित को बड़ा कौतूहल हुआ और प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहते हैं, ब्राह्मण के क्रोधित होने पर भी उनको ब्रह्मशाप कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जबकि ये प्रसिद्ध बात है कि किसी भी अवस्था में ब्रह्मशाप टाला नहीं जा सकता है, लेकिन महाराज अम्बरीश को स्पर्श नहीं कर पाया, इसका क्या कारण है? तो महाराज परीक्षित के इस कौतूहल का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज अम्बरीश बिल्कुल भगवत परायण थे, उनकी प्रत्येक इंद्रियां कृष्ण में लगी हुई थी। यद्यपि वे अतुल संपत्ति प्राप्त किए थे, पृथ्वी के सातों द्वीप का एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट थे, कभी कभी कई राजा होते हैं, कुछ छोटे छोटे क्षेत्र का स्वामी होते हैं, और कोई कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट होता है। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ है कि संपूर्ण पृथ्वी के समस्त राजाओं के ऊपर इनका चक्र हो, छत्र हो, एक छत्र सम्राट या चक्रवर्ती सम्राट। और भी छोटे छोटे राजा होते हैं, लेकिन इनके अधीनस्थ होते हैं, अनेकों नौकर चाकर थे, लेकिन कभी भी वे संपत्ति के लोभ में नहीं पड़े। समझते थे कि एक दिन छूटने वाला है, स्वप्न तुल्य है। मैंने ते दुर्लभम पुंसाम सर्वम तत् स्वप्न संस्तुतम द्वान विभव निर्माणम तमो विशति यत पुमान। महाराज अम्बरीश समझते थे कि ये संपत्ति स्वप्न के समान है, और ये धन वैभव के लोभ में जो व्यक्ति पड़ेगा वो निश्चित तमो विशति नरक जाएगा। ये उनको पता था, अस्थाई ज्ञान, यह धन वैभव केवल नरक में डालने वाला है। इसलिए वासुदेवे भगवती तद भक्ते सुच साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम जैनेदम लोष्टवत स्मृतम। इसलिए भगवान वासुदेव की भक्ति करते थे, वासुदेव श्री कृष्ण के और उनके प्रेमी भक्तों की, उनको भाव प्राप्त था भगवान कृष्ण में और उनके प्रेमी भक्तों में, साधुओं में। विश्वम जैनेदम लोष्टवत स्मृतम, और संपूर्ण विश्व की संपदा को तो मिट्टी समझते थे, मिट्टी के ढेला। अभी तक जितने राजाओं का वर्णन हुआ पीछे के तीन अध्यायों में, उसमें सूर्य वंश के राजाओं का इतना विस्तार से वर्णन नहीं हुआ, लेकिन महाराज अम्बरीश के चरित्र को सुखदेव गोस्वामी जल्दीबाजी में नहीं कह रहे हैं, विस्तार से कह रहे हैं। सवई मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। उन्होंने अपना मन श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगाया। सवई मनः कृष्ण पदारविन्दयो, भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाया। मन कृष्ण के चरणों में, चरणों में का अर्थ है भगवान के रूप में, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के हर वस्तुओं में महाराज अम्बरीश का मन लगा हुआ था। और वाणी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी से भगवान के
गुणों का वर्णन करते थे। जब भी बोलते थे भगवान के विषय में बोलते थे। आप सुन चुके हैं कि महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे, नौकर चाकर की कमी नहीं थी, फिर भी करौ हरेर मंदिर मार्जन आदिशु, अपने हाथ से मंदिर मार्जन करते थे। नहीं कि नौकर रख दिए, पुजारी रख दिए, चल रहा है, नहीं, इनका अपना पर्सनल काम था मंदिर सेवा करना, मंदिर मार्जन करना, मंदिर की सफाई करना, श्रृंगार करना। यहाँ तक दूसरे पुराणों में वर्णन है कि अपनी पत्नी तक को नहीं नियुक्त करते थे। वो करती थी सहायता, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि करे। एक बार इनको बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत सेवा कर रहे थे, जमुना जी से जल ला रहे थे, सफाई किए, मंदिर धोए, सब चीज किए, फूल ला कर खुद लाते थे, माला बनाते थे, श्रृंगार करते, सब चीज स्वयं करते थे। तो इनकी पत्नी हेल्प के लिए पानी ला दी, रख दी, बाद में इनको ध्यान नहीं आया और जरूरत था ही प्रयोग कर लिए, लेकिन बाद में जब याद आया कि अरे पानी तो मैं लाया नहीं है, कैसे आ गया था, कौन लाया, पता करने लगे तो उनकी पत्नी लाई थी। तो मना किए नहीं, अकेले पर्सनल काम है, तुमको जो करना है अलग से अपना सेवा करो, या नौकर चाकर जिसको करना है अलग, हम स्वयं करेंगे। तो इस प्रकार महाराज अम्बरीश का मन लगा हुआ था, करो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु, अपने हाथ से मंदिर मार्जन करते थे। और श्रुतिम चकारा च्युत्सत कथोदय, और कान भगवान के मंगलमयी कथा में श्रवण जो लगा था, दूसरी बातें सुनते ही नहीं थे, केवल सत्संग, केवल कृष्ण कथा। और जो खूब बढ़िया श्रृंगार कर देते थे तब देखते रहते थे खड़ा होकर भगवान, राजपाट कैसे चलेगा, क्या होगा, इसकी कोई चिंता नहीं। मुकुंद लिंगा लय दर्शने दिशऊ, आंख भगवान के श्री विग्रह को देखने में। और तदभृत गात्रा स्पर्शेंग संगम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमद तुलस्या रसनाम तदर्पिते, आंख से भगवान के दर्शन करते थे नेत्र से, और अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, भक्तों की सेवा करने में, भक्तों के साथ रहने में उनका समय बीतता था। नासिका से भगवान पर चढ़ाई हुई तुलसी का गंध लेने में, नाक भी दूसरा सेंट इधर उधर नहीं लेते, श्रीमद तुलस्या रसनाम तदर्पित है, जो भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी है उसको सूंघने में नाक लगाए थे। पादौ हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरौ ऋषि के पदा विवंदने, कामम च दासे न तु काम कामया यथोत मश्लोक जनाश्रया रति। अम्बरीश महाराज अपने पैर से पैदल चलते थे, मंदिर जाते या परिक्रमा करते थे। अब विचार कीजिए कि उनके लिए सवारी की कमी थी, लेकिन पैदल चलते थे। हरेर क्षेत्र पदानुसर पड़े, भगवान के क्षेत्र में, भगवान के धाम, भगवान के मंदिर। और इस प्रकार से महाराज अम्बरीश का समय बीतता था, और शीर से बार बार भगवान को प्रणाम करते थे। कुछ लोग नहीं जानते हैं, मंदिर में आने पर भी बहुत कृपा करेंगे तो हाथ जोड़ लेंगे, सिर नहीं झुकाते हैं, लेकिन महाराज सार्वभौम सम्राट प्रणाम करते थे। कामम च दासे न तु काम कामया, इच्छा भोग की नहीं थी, दास्यता की इच्छा थी कि हम भगवान की सेवा करें। कामम च दासे, काम मतलब कामना, मन में विविध प्रकार की इच्छा, वासना, वासना थी दास्य का। न तु काम कामया, संसारिक भोग की कामना नहीं थी। मान लीजिए केवल इतना कह दे कि उनके मन में भगवान की सेवा की वासना थी तो इतना भी काफी हो गया, लेकिन कह रहे हैं कि न तु काम कामया, संसारिक भोग की कोई कामना नहीं। यथोतमश्लोक जनाश्रया रति, और इसके अलावा सेवा के अतिरिक्त कोई कामना थी तो भगवान के भक्तों के साथ रहने की, उनके साथ निवास करने की। एकदम परफेक्ट सन्यासी जैसा वर्णन हो रहा है, गृहस्थ और राजा का वर्णन है, लेकिन देखिए किसी सन्यासी से कम नहीं है। महाराज अम्बरीश, महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित और महाराज निमी, जनक, महाराज पृथु, ऐसे कई राजा हैं जो नाम मात्र के राजा थे, सन्यासी शिरोमणि थे।
महाराज युधिष्ठिर भी इसी स्तर के राजा थे, उनका मन नहीं लगता था। भागवत में वर्णन है कि उनकी भोग संपदा स्त्री भाई उनको सुख नहीं दे पाए, जैसे भूखे प्यासे व्यक्ति को फूल माला चंदन या अगरबत्ती आरती अच्छा नहीं लगता है, खूब भूख लगा हो प्यास लगा हो किसी को पानी मांग रहा है तो कह रुकिए थोड़ा चंदन लगा देते हैं, माला पहनाते हैं, अब अगरबत्ती लाता है आरती करता है इसी में लगा दिया 45 मिनट 1 घंटा, वो मांग रहा है पानी और दे रहे हैं अगरबत्ती तो अच्छा नहीं लगता है उस समय, प्यास लगी है। वैसे ही महाराज युधिष्ठिर का मन केवल कृष्ण में लगा हुआ था, राज वैभव और रानी भाई ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसी प्रकार के थे महाराज परीक्षित, और निमी महाराज भी उसी स्तर के थे, उनको विदेह कहा गया, और देखिए अम्बरीश महाराज भी इसी स्तर। इस प्रकार भगवान के भक्तों में रहने में उनको अच्छा लगता था, इस प्रकार उनका सारा समय भगवान की भक्ति में, एवं सदा कर्म कलाप मात्मन परे धिजज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्म भावम विदधन महिमिमाम तन्निष्ट विप्रा भीत ससासह। इस प्रकार वे सारे कर्मों को यज्ञ पुरुष भगवान को अर्पित करके सब कुछ समर्पित कर दिए थे, और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा से पृथ्वी का शासन करते थे, अपना कोई नियम कानून नहीं, जैसे ब्राह्मण चाहते थे वैसे करते थे। और मुख्य रूप से वशिष्ठ जी सूर्य कुल के गुरु हैं, उनके आज्ञा से यज्ञ भी किए, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए। विस्तार से इनकी कथा है, उनको संक्षेप में कहना पड़ेगा, कई कथाओं को भी कहना है। तो इस प्रकार वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में कई महान यज्ञ भी किए, विष्णु की आराधना, जगपति भगवान की आराधना की, अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भी। मुख्य रूप से इनका रूटीन जो आप सुने वो था ही, तो व्यक्तिगत और प्रतिदिन का रूटीन था भगवान की सेवा करना। एक तपस्वी जैसा अनासक्त भाव से घर गृहस्थी में रहते थे। इनके विषय में पहले ही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उनकी अनन्य भक्ति के प्रभाव से भगवान शाश्वत रूप से, परमानेंट रूप से उनके रक्षा में सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिए थे। ये नहीं कि जब जरूरत पड़ेगा स्मरण करेंगे भगवान का तब भगवान सहायता करेंगे, सुदर्शन चक्र सदा उनके साथ रहता था, सदा प्रकट नहीं रहता था, जब भी दिक्कत होता तो कहना नहीं पड़ता था कि हमारी सहायता कीजिए, जैसे कोई नियुक्त बॉडी गार्ड व्यक्ति की रक्षा करता है, साथ साथ रहता है तो हमेशा नहीं कहना पड़ता है कि हमारी रक्षा करो, वो उसका ड्यूटी ही है। उसी प्रकार चक्र नियुक्त कर दिया गया था, विरोधियों को भयभीत करने वाला जो भगवत भक्तों का रक्षक, उनके एकांत भक्ति से प्रभावित होकर के भगवान अपना चक्र नियुक्त कर दिए थे। 28 नंबर के श्लोक में वर्णन है, तस्माद अद्धाद हरि चक्रम प्रत्यनीक भयावहम एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भृत्या भी रक्षणम। अपने भक्तों के रक्षा में जो अपने चक्र को रखते हैं वो चक्र एकदम नियुक्त कर दिए। और थोड़ा सा यहाँ संकेत किया गया है नीचे के श्लोक में कि आरी राधेशु कृष्ण महिष्यातुल्यशीलया युक्त सांबत सरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम। आरी राधेशु कृष्ण महिष्यातुल्यशीलया, अम्बरीश महाराज कृष्ण के भक्त थे, भजन कर रहे थे, एक बार भगवान कृष्ण की आराधना अपनी पत्नी के साथ किए, 1 साल तक एकादशी व्रत। एकादशी व्रत कैसा, जो द्वादशी प्रधान एकादशी है, द्वादशी व्रतम, सूर्योदय के समय अगर एक क्षण 1 मिनट भी एकादशी हो और पूरा दिन द्वादशी हो तो उस एकादशी को वैष्णव लोग पालन करते हैं, उसको कहते हैं द्वादशी विधा एकादशी, और दूसरे दिन त्रयोदशी शुरू होने के पहले ही पालन करना पड़ता है जल्दी। द्वादशी विधा एकादशी 1 साल तक महाराज अम्बरीश बड़े संकल्प के साथ कर रहे थे, और उसमें इनकी पत्नी भी थी साथ में, और पत्नी के विषय में कहा गया है महिष्या तुल्यशीलया। तुल्यशीलया शब्द कहकर सुखदेव गोस्वामी को दूसरे पुराण में जो वर्णन है पत्नी के विषय में वो सब
स्मरण आ रहा है, लेकिन अब विस्तार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए एक शब्द दिए हैं कि जो अपने पति के समान सिलवान थी, एकदम सिलवती थी, जो गुण पति का था वही तुल्य सिलया, हु बहु वही, उसी प्रकार मन कृष्ण में लगा था, उसी प्रकार कृष्ण की कथा सुनती थी, उसी प्रकार मंदिर मार्जन, तुल्य सिलया मने एकदम हु बहु अम्बरीश महाराज के समान उनका स्वभाव था, भक्ति परायणा, संसार से विरक्त, समान शील वाली थी। एक बार पति पत्नी दोनों मिल करके द्वादशी व्रत किए, जुक्ता सांबत सरम बीरो, एक वर्ष के लिए, और वो व्रत कार्तिक महीना में एक साल पूरा होने के बाद पूरा हुआ। जब द्वादशी विधा एकादशी की जाती है तो दूसरा दिन पारण का बहुत महत्व बढ़ जाता है, ऐसे एकदम फिक्स टाइम के अंदर करना पड़ता है, त्रयोदशी न प्रारंभ हो जाए ये ध्यान रखना पड़ता है। सूर्योदय होने के बाद जो द्वादशी का टाइम बचा रहेगा दूसरे दिन, उसमें पारण कर लेना चाहिए। तो कभी कभी बहुत कम समय रहता है, दो चार मिनट, पांच मिनट, सात मिनट के अंदर करना पड़ता है। इसलिए महाराज अम्बरीश जमुना में स्नान करके, भगवान की पूजा करके, भगवान का अभिषेक करके, सब चीज करके, अब द्वादशी का पारण करने के लिए तैयार हुए। दूसरे दिन तब तक एक तेजस्वी ब्राह्मण सुप्रसिद्ध दुर्वासा जी आ गए अपने शिष्यों के साथ। पहले ही महाराज अम्बरीश ब्राह्मणों को दान देकर एकदम तैयार थे, बहुत सुंदर दान का भी वर्णन है, खूब अच्छी गाय दान किए और काफी गाय दान की, 60 करोड़ गाय दान किए, और गायों के सिंह सोने से मढ़ा हुआ था, खूर चांदी से मढ़ा हुआ था, और सबके ऊपर खूब सुंदर वस्त्र ओढ़ाया गया था, और गायें बड़ी सुशील थी, पैर लात मारने वाली नहीं थी और दूध देने वाली थी, देखने में भी सुंदर थी और खूब दूध देने वाली, और सब कुछ दिए पारण के लिए तैयारी हो रही थी। तब तक दुर्वासा मुनि आ गए, अभी पारण नहीं कर पाए। दुर्वासा मुनि आए तो उनको देखकर खड़ा होकर आदर किए महाराज अम्बरीश, और कहे कि हे महात्मन, हे ब्राह्मण देव, आप भले पधारे, बहुत अच्छा हुआ, तो हम पारण करने चल जा रहे हैं, आप भी कुछ खाइए। तो कहे नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, जमुना स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर मैं आ रहा हूँ, तब खाऊंगा। अब तो पारण का टाइम बीत रहा है, इधर जमुना नहाने चले गए, और महाराज अम्बरीश तो बड़ा धर्म संकट में पड़े, इनका तिरस्कार करके खाना भी उचित नहीं है, और साल भर व्रत किए इसको भंग करना भी उचित नहीं है, तो समय के अंदर पारण कर लेना चाहिए। तो दूसरे ब्राह्मणों से महाराज अम्बरीश ने सलाह लिया कि क्या किया जाए, ब्राह्मण को बिना खिलाए खाना भी पाप है, और द्वादशी रहते पारण कर लेना भी, अगर हम बीत जाने पर खाएंगे तो ठीक नहीं होगा। तब ब्राह्मणों ने विचार किया, निर्जला व्रत करते थे, ये जल जो है तुलसी समन्वित जल भगवान का चरणोदक, तो आप इसको ले सकते हैं, जल खाना भी है और नहीं खाना भी है दोनों, इसलिए आप केवल जल से पारण कर लीजिए, कोई बात नहीं है, भोजन भी है और नहीं भी भोजन है, जल पी लेना, भोजन करना भी है और नहीं भी करना है। अम्बसा केवले नाथ करीसे व्रत पारणम प्राहुर अभक्षणम विप्रा यशितम नाशितम चतत। इंतजार करते रहे, एकदम अंतिम क्षण बीत रहा था, तब अब क्या करे, व्रत की रक्षा के लिए थोड़ा सा पानी पी लिए। अब उधर से दुर्वासा जी जब लौटे तो परम तेजस्वी भूत भविष्य दृष्टा, उनको भी पता था कि टाइम बीत रहा था, तो कहे कि अच्छा ये राजा पारण किया कि नहीं, तो अपने जोग बल से जान गए बिना किसी से पूछे कि ये पारण कर चुका है, पारण कर चुका है, क्या खाया है, पानी भर पिया है एक दो घूंट की, और कुछ खाया है, इसका भी पता लगाना चाहिए ना। तो केवल इतना ही इनको पता चला कि पारण कर चुका है, बस खा चुका है। एकदम क्रोध से थर थर कांपने लगे, एकदम भौहें चढ़ गई, मुंह विकट हो गया, और महाराज अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े हैं, और उसी समय एकदम डांटते हुए, अरे क्रूर, तुमने हमारा अपमान किया है, धन के मद में मतवाला है, भगवान की भक्ति तो तुमको स्पर्श भी नहीं की है, अगर तुम्हारे अंदर भक्ति होती तो इस प्रकार हमारा अपमान नहीं करता,
अरे नीच, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। मैं अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ और मुझको बिना खिलाए खाया है, बिना खिलाए खाया है, तो इस नीच कर्म का फल अभी भोगेगा। अभी तुमको मैं बताता हूँ, अभी तुमको तुम्हारे कर्मों का फल चखाता हूँ। इतना कहकर एकदम क्रोध में जल रहे थे और जलते हुए अपने जटा को उखाड़े, एक जटा को, और उखाड़ करके एकदम क्रोध में एकदम धरती पर पटक दिए और उस जटा से कृत्या उत्पन्न हो गई। एकदम भयंकर राक्षसी आग के समान दहकते हुए सूल लिए हुए तलवार लेकर महाराज अम्बरीश की तरफ दौड़ी मारने के लिए, कृत्या उत्पन्न कर दिए। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, लेकिन महाराज अम्बरीश एक डेग भी पीछे नहीं हटे, एकदम चुपचाप बस जहां थे वहीं थे। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब बस सदा महाराज अम्बरीश की सेवा में नियुक्त रहने वाला भगवान का चक्र कृत्या को तो तुरंत नष्ट किया ही, तुरंत काट दिया। अब दुर्वासा के ऊपर चल पड़ा, तो दुर्वासा जी का तो हालत गंभीर, अब पहचान गए कि विष्णु का चक्र है और इसका कोई प्रतिकार नहीं है, ये भी पता है। दुनिया का कोई अस्त्र सुदर्शन के बेग को नहीं रोक सकता है। अब अम्बरीश महाराज के इस प्रभाव को देखकर दुर्वासा जी एकदम कांप गए और भागने लगे। अब उनकी सारी तेजाई और सारा जो बल था ब्रह्म तेज, वो सब खत्म, लगे भागने। भागते भागते उनको कोई बचा नहीं पा रहा था, एकदम पर्वत की गुफाओं में जाते थे, जिधर दौड़ जाते थे उधर सुदर्शन चल रहा है। एकदम आकाश में पृथ्वी, अतल बीतल, समुद्र, स्वर्ग लोग तक गए, लेकिन कहीं कोई रक्षा नहीं कर पाया। तो फिर अपना त्राण ढूंढते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे ब्रह्मन, आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। आप स्वयं से उत्पन्न हैं, भगवान से उत्पन्न हैं, आप हमारी रक्षा की। ब्रह्मा जी कहे कि नहीं नहीं, मैं सुदर्शन से रक्षा कर सकता हूँ, जो प्रभु इस जगत की सृष्टि करते हैं और वो अगर भू भंग मात्र से जलाना चाहे जब तब जला देते हैं। नहीं नहीं दुर्वासा, मैं भगवान शिव, दक्ष, भृगु आदि जितने प्रजापति हैं सब उनके आज्ञा के अंदर बंधे हुए उनका नौकर हैं, हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। उनकी आज्ञा है कि अम्बरीश के विरोध करने वाला का सुदर्शन नाश करेगा। तुम अम्बरीश का विरोध किए हो, इसलिए तुम्हारा नाश करने के लिए सुदर्शन नियुक्त है। हम भगवान की इच्छा का विरोध नहीं कर सकते। तब वहां से भागकर कैलाश पर गए शिव जी के पास। शिव जी ने भी वही बात कही, नहीं नहीं, इससे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। अब क्या करें, वो तो सारे सिद्ध मुनि, सनत कुमार सब देख रहे हैं, दुर्वासा जी की सहायता कोई नहीं कर पा रहा है। तो दुर्वासा जी अब भागते भागते भगवान के धाम में गए, बैकुंठ जो सत्यलोक के ऊपर है। दुर्वासा जी भगवान के पास पहुंचे, पहुंच करके एकदम कहने लगे, हे नाथ, हे अच्युत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय है। हे प्रभु, हे विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपका प्रभाव और आपके भक्तों का प्रभाव नहीं जान पाया, मेरे द्वारा आपके भक्त अम्बरीश के प्रति अपराध हुआ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके नाम उच्चारण मात्र से लोगों की नरक से रक्षा हो जाता है और हमारी ये दुर्दशा हो रही है। अनंत कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के अनेक नामों को बोल रहे हैं, लेकिन वो नाम उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है, न नाम रक्षा कर पा रहा है, न भगवान रक्षा कर पाए। देखिए अद्भुत कथा है, भगवान के शरण में है, भगवान शरणागत वत्सल है, जो शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन वैष्णव के अपराधी की रक्षा न भगवान कर सकते हैं, न भगवान का नाम कर सकता है। भगवान कहने लगे, दुर्वासा जी, आप मेरे स्वभाव को नहीं जानते हैं। अहम भक्त पराधीनो, ये स्वतंत्र युवाज, साधु भी ग्रस्त हृदय, भक्त ही भक्त जनप्रिय। मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मेरे जो भक्त है ना उनके मैं अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी अपनी अलग स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे भक्त हृदय से मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनके हाथ में बंध जाता हूँ। भक्त जन मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए मैं उनकी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। ब्रह्मन, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं हूँ, भक्त लोग मेरे अतिरिक्त किसी के आश्रय में नहीं जाते हैं।
और मैं भक्तों के अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं समझता, इसलिए नाहम मात्मान मासा से मद भक्तई साधु भीर बिना श्रीयम चात्यंतकीम ब्रह्मन जैसाम गति रहम परा। अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं और कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। मैं तो भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को चाहता हूँ, यहाँ तक कि लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रेम मैं अपने भक्त से करता हूँ। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान बीत मिमम परम हित्वा माम शरणम जाता कथम तांस त्यक्तु मुत्सहे। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन संपदा यह लोक परलोक सब कुछ छोड़कर केवल मेरा भजन करता है, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जो सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया उस भक्त को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मैं भक्तों के वशीभूत हूँ। मई निर्बद्ध हृदया साधवा समदर्शना बसी कुर्वंती माम भक्त्या सतस्त्रीय सतपतिम जता। जैसे पतिव्रता स्त्री के अधीन पति हो जाता है, वैसे मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। साधो हृदयम महियम साधुनाम हृदयम तो हम मदन्यत ते न जानती ना हम तेभ्यो मनागपी। मत अन्यत्र ते न जानती, वे मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते हैं और न मैं कुछ जानता हूँ। मेरे हृदय में कुछ है, बस साधु ही मेरे हृदय हैं और साधुओं का हृदय मैं हूँ। मैं उनके हृदय में रहता हूँ, हमारे हृदय में वे रहते हैं। ये हमारा स्मरण करते हैं, हम उनका करते हैं। उपाय उपायम कथई श्यामी तब विप्र श्रेणु सुतत। एक उपाय बताता हूँ, आप सुन लीजिए। उपाय यह है कि आप जिसके कारण इस संकट में पड़े हैं उसी के पास जाइए। आप जाइए अम्बरीश के पास, आपका मंगल होगा। ये तो निश्चित है कि ब्राह्मण तपस्या और विद्या के बल में परम कल्याण कर सकते हैं, अपना भी दूसरों का भी। तेजस्वी ब्राह्मण है, तपस्वी है तो कर सकता है, लेकिन उदंड जब हो जाता है ब्राह्मण, मर्यादा का पालन नहीं करता, इतना भी ध्यान नहीं है कि वैष्णव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो अन्यायी हो जाता है, तो उसकी तपस्या तेज भी उल्टा फल देने लगती है। तो आप जाइए, आपका कल्याण हो। आप नभाग नंदन परम भाग्यशाली अम्बरीश के पास जाइए, तब आपकी शांति होगी, वो क्षमा कर देगा। क्षमा करना नहीं है अम्बरीश को, वो पहले से ही क्षमा कर दिए थे। उनके मन में तो दुर्वासा जी के प्रति कोई क्रोध था ही नहीं। एक देखिए वैष्णव सिद्धांत है कि वैष्णव के अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं होती, यही उनकी साधुता है। अपने प्रति किए गए अपकार का बदला लेने की प्लानिंग तो सोचिए उनके मन में आता ही नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, यही साधुता है। लेकिन वैष्णव के चरण रज जो है, जो जगत को पवित्र करने की क्षमता रखता है, वो नाराज हो जाता है। चरण रज की आराधना जब तक नहीं होती तब तक वो माफ नहीं होता है। वैष्णव के जो चरण में रज है पवित्र करने की क्षमता और कृष्ण भक्ति को बढ़ाने की जो क्षमता है चरण रज में, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महत्पुरुषों के रज में अभिषेक नहीं होता तब तक कृष्ण में चित नहीं लगता। तो जब तक उस चरण में पढ़ करके उस रज को स्पर्श नहीं किया जाता तब तक माफ नहीं होता, ये सिद्धांत है। तो अब तो दुर्वासा जी जब भगवान उपाय बता दिए तो अब लौट कर आए और आए एकदम दौड़ कर अम्बरीश महाराज के चरण पकड़ लिए, छोड़ दिए अपने ब्रह्म तेज का अहंकार, सीधे चरण पकड़ लिए। एवं भगवता दृष्टो दुर्वासा चक्र तापितः अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादौ दुखितो ग्रहित। इतना दुखित थे कि उनके चरण को तत्पादौ, दोनों चरणों को पकड़ लिए एकदम। अब बताइए कि महाराज अम्बरीश कभी चाहते होंगे कि दुर्वासा हमारा चरण पकड़े, लेकिन अब दुखी ब्राह्मण अब क्या करे, पकड़ लिया चरण जबरदस्ती। दुर्वासा जी की चेष्टा देखकर अम्बरीश महाराज तो एकदम घबरा गए और चक्र से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे सुदर्शन चक्र, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप सर्व समर्थ हैं, आपके तेज के सामने किसी भी ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा का तेज फीका पड़ जाता है। आप भगवान के प्यारे हैं, आप भक्तों की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए प्रभु, भगवान का भक्त हैं दुर्वासा जी, आप परम पुरुष परम परमात्मा भगवान के तेज हैं,
आप इस तरह मत कीजिए, धर्मों की मर्यादा की रक्षक हैं आप, ये ब्राह्मण दुखी है, इसे क्षमा कर दीजिए। बहुत स्तुति कर रहे हैं, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सब कहते कहते अंत में कहते हैं, हमारे ऊपर आप अनुग्रह कीजिए, यदि मैंने आज तक अपने जीवन में कुछ दान किया है, यज्ञ किया है, धर्म का पालन किया है, हमारे वंश के लोग ब्राह्मण को ही अपना आराध्य मानते आ रहे हैं, अगर मैं भगवान के चरणों में कुछ भी भक्ति किया हूँ, दुर्वासा का जलन मिट जाए, अपना समस्त तपस्या, अपने समस्त दान, अपनी समस्त भक्ति दुर्वासा के दुख निवृत्ति के लिए महाराज अम्बरीश ने समर्पित कर दिया। जो कुछ मैं अपने जीवन में किया हूँ वो सबको खर्च कर देता हूँ इस ब्राह्मण की रक्षा के लिए। आप भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय, यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में देखा है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, दुर्वासा जी के हृदय की जलन मिट जाए। तो इस प्रकार जब महाराज अम्बरीश प्रार्थना करने लगे और अपना सारा भजन भक्ति दे दिए दुर्वासा की रक्षा के लिए, तो एकदम चक्र शांत। इतना महान साधु एक भक्त की रक्षा के लिए अपने भक्ति को निछावर कर दिए, और इसके बाद दुर्वासा जी को जब शांति मिली, जलन मिट गया, तब दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश को आशीर्वाद देने लगे। ओहो, आज मैं भगवान के भक्तों की महिमा देखा। अहो अनंत दासा नाम महत्तम दिष्ट मध्य में, आज मैंने भक्तों की महिमा देखा। मैंने आपका अपराध किया, लेकिन आपने हमारे मंगल की कामना किया। ये है कृता गसोपी यद राजन, हे राजन मैंने आपके चरणों में अपराध किया, मंगलानी समी हसे, लेकिन आपने हमारी मंगल की कामना किया। यही है साधु का लक्षण। और असाधु का लक्षण है कि थोड़ा सा भी अपराध, थोड़ा सा भी गलती सह नहीं पाता है, बस प्रतिशोध बदला लेने की भावना है। वास्तव में जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ा है, ऐसे साधु पुरुषों के लिए कौन सा कठिन काम है, उनका हृदय इतना उदार है, वो किस चीज को त्याग नहीं सकते। सारी भजन भक्ति दान तपस्या सब कुछ निछावर कर दिए इस ब्राह्मण की रक्षा हो। दुष्कर्म को नु साधु नाम दुस्तेजो वा महात्मा नाम, यही संग्रहितो भगवान सात्वताम ऋषभो हरि। जिस पर भगवान प्रसन्न है उसके लिए क्या दुर्लभ है, और उसके लिए त्यागने में क्या कठिन है, कुछ भी नहीं। जन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः, तस् तीर्थ पद किम वा दासा नाम अवशिष्यते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण करने से, केवल सुनने से जीव पवित्र हो जाता है, उन्हीं भगवान का जो डायरेक्ट एकदम साक्षात सेवक है, उसके लिए क्या दुर्लभ है। भगवान के नाम में इतनी महिमा है कि सुनने मात्र से व्यक्ति को पवित्र कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे महाराज, आपके हृदय में हमारे लिए इतनी करुणा, इतनी भारी अनुग्रह, अहो आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं कि अम्बरीश महाराज जब से दुर्वासा जी गए तब से भोजन नहीं किए, उनका इंतजार करते रहे, दुर्वासा जी कब आएंगे और उनको खिलाकर खाऊंगा। इस प्रकार पहले तो दुर्वासा अम्बरीश के चरण पकड़े थे, अब अम्बरीश महाराज दुर्वासा जी के चरण पकड़ते हैं और आदर पूर्वक कहते हैं, हे ब्राह्मण आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, आप भोजन कीजिए। तो बड़े प्रेम से दुर्वासा जी भोजन किए, उनको खिलाए, बड़ा आदर से भोजन कराए। जब दुर्वासा जी तृप्त हो गए और कहे कि हे राजन आप भी भोजन कीजिए, तब अम्बरीश महाराज अपने संबंधियों के साथ, परिवार के साथ भोजन किए। तो इस प्रकार यह महाराज अम्बरीश का दिव्य चरित्र है। दुर्वासा जी अत्यंत प्रसन्न है, कह रहे हैं कि मैं आपके आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हूँ, और हे अम्बरीश तुम्हारा ये दिव्य चरित्र जो भगवान की भक्ति है, और हमारे प्रति तुम्हारा जो व्यवहार है, वो स्वर्ग में गाया जाएगा, देवताओं के बीच में स्वर्ग की देवंगनाएं गाएंगी आपके चरित्र को, संपूर्ण जगत में आपकी कीर्ति फैलेगी। इस तरह से दुर्वासा जी उनको आशीर्वाद दिए और फिर चले गए।
दुर्वासा जी जब चले गए तो अम्बरीश भोजन किए और इनके कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपने ही प्रार्थना से उनको छुड़ाना, यह देखिए भगवान के भक्तों की महिमा। इस प्रकार राजा अम्बरीश के अनेक गुण हैं जो भगवान को बस में रखते हैं। अम्बरीश ने अपने समान ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए और उन पुत्रों को राज्य देकर वन में चले गए फिर तपस्या करने। घर में भी भजन करते थे, उनका घर और वन में अंतर नहीं था, फिर भी घर गृहस्थी बंधन का कारण है यह समझकर उन्होंने घर छोड़ दिया, अपने पुत्रों को राज्य दे दिया। तो इस प्रकार महाराज अम्बरीश का ये पवित्र आख्यान है। जो व्यक्ति इसका संकीर्तन करता है, स्मरण करता है, वो भगवान की भक्ति में दृढ़ता से जुट जाता है, जैसे अम्बरीश महाराज जुटे थे। इसके बाद सूर्य वंश में आने वाले और राजाओं का वर्णन। अम्बरीश के तीन पुत्र हुए, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पिशदस और उनका रथितर, और रथितर संतानहीन थे और वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की तो अंगिरा ने उनके पत्नी से ब्रह्म तेज से युक्त कई संतान उत्पन्न किए। यद्यपि वे रथितर से उत्पन्न थे लेकिन अंगिरा जी के द्वारा उत्पन्न करने के कारण वे अंगिरस ब्राह्मण हो गए, क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्र से इनका संबंध था। इस प्रकार स्वयंभू मनु के पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो नौ पुत्रों के तो विषय में संक्षेप में कुछ कह दिए, अब दसवां पुत्र है सबसे बड़े इक्ष्वाकु महाराज। तो इक्ष्वाकु महाराज के विषय में वर्णन करते हैं। तो आगे कहते हैं कि इक्ष्वाकु महाराज सौ पुत्र उत्पन्न किए और उसमें सबसे बड़े तीन थे, बिकुची, निमी और दंडक, और उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के राजा हुए और 25 पश्चिम भाग के, और उपयुक्त तीन मध्य भाग के राजा हुए, जो तीन जिनका नाम रखा गया, बिकुची, निमी और दंडक, और शेष 47 जो बचे वो दक्षिण प्रदेश के। एक बार इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध करने के लिए अपने पुत्र बिकुची को अपने पितरों के तर्पण के लिए भेजे कि आप जाओ पवित्र पशुओं का मांस लेकर आओ श्राद्ध करने के लिए। पहले कभी कभी वर्णन है शास्त्रों में कि पितरों को भी मांस दिया जाता था। तो ये गए, धनुष बाण उठाए, जंगल में गए, खोज रहे थे, सभी पशुओं को नहीं मारना है, कुछ खास हरिण को, खरगोश को ही मारना था। वन में घूमते घूमते, शिकार खोजते खोजते बिकुची को भूख लग गया बहुत तेज, तो कई पशु मारे थे उसमें से खरगोश खा लिए, कच्चा ही, कच्चा खरगोश खा गए और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिताजी को दे दिए। वशिष्ठ जी जब श्राद्ध में अर्पण करने चले तो उनको पता चल गया, कहे अरे ये तो उच्छिष्ट है, ये तो मांस पितरों को देने लायक नहीं है, झूठा है, झूठा है। इक्ष्वाकु महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, इस तरह की गलती कैसे कर दिया। तो यह सुनकर महाराज इक्ष्वाकु को बड़ा कष्ट हुआ, पिता के आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण इक्ष्वाकु ने उसे देश से निकालने का आदेश कर दिया, तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते हो। तो अब निकल गए बेचारे, अब करें क्या। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के कृपा से योग द्वारा शरीर पर त्याग करके महाराज इक्ष्वाकु परम पद प्राप्त किए। पिता के देहांत होने के बाद इक्ष्वाकु महाराज के बाद वो राजधानी लौटे बिकुची, वशिष्ठ जी फिर उनको राजा बना दिए, और वो खरगोश खाने वाला बिकुची ससाद नाम से प्रसिद्ध हुआ और इतना तेजस्वी राजा हुआ, इतना तेजस्वी राजा हुआ कि असुरों का जब आक्रमण इंद्र पर होने लगा तब वो आया बिकुची महाराज के पास सहायता लेने के लिए। इंद्र जब सहायता लेने के लिए आए, कहे ठीक है हम आपकी सहायता करेंगे, गए, लेकिन हम ऐसे नहीं लड़ेंगे असुरों से। वो नगर बना बना कर विशाल नगर लड़ते थे, अब बहुत ऐश्वर्य था असुरों के पास। तो कहे कि हम लड़ेंगे तब जब तुम हमारा सवारी बनोगे, वाहन बनोगे, हम इंद्र के ऊपर चढ़कर युद्ध करेंगे, कोई दूसरे रथ पर नहीं, इंद्र पर ही चढ़ेंगे। अब तो बड़ा दिक्कत हुआ कि देवराज इंद्र को ही सवारी बनाने लगे, सब लोग देवता विरोध कर, इंद्र तैयार नहीं हो रहे थे। जब नहीं तैयार हो रहे थे तो सब देवता कहने लगे, भगवान स्वयं कहे कि कोई बात नहीं देवराज, तुम बैल बन जाओ और तुम्हारे ऊपर चढ़कर बिकुची युद्ध करेगा, ये हमारे तेज से समन्वित है,
युद्ध में जीतेगा। तो भगवान की आज्ञा मानकर इंद्र बैल बन गए। जब इंद्र के ऊपर बैठा युद्ध करने के लिए तो नाम हो गया इंद्रवाह। बैल के ककुत के पास बैठा तो ककुत दैतों को हरा दिया तो इनका नाम हुआ पुरंजय। कई नाम था और पहले घर का नाम था बिकुक्षी, खरगोश खाने के कारण ससाद, इंद्र का सवारी करने के कारण इंद्रवाह, पुर जीतने के कारण पुरंजय, बैल के डील के पास बैठने के कारण ककुश। तो इस प्रकार बड़ा प्रसिद्ध नाम हुआ पुरंजय, बड़ा तेजस्वी राजा हुआ सूर्य वंश में। और इसके बाद पुरंजय का पुत्र हुआ अनेना, उसका पुत्र पृथु, पृथु के विश्वरंध्री, और उसके चंद्र, चंद्र के जोनाश। जोनाश भी एक तेजस्वी राजा थे। जोनाश के पुत्र हुए साबस्त, और साबस्तीपुर बसाए, और उनके बृहदश, और बृहदश के कोलाश, और उन्होंने उत्तंग ऋषि को प्रसन्न करने के लिए 21,000 पुत्रों के साथ धुंधु नामक दैत्य का वध किया था, इसलिए उनका नाम हो गया था धुंधुमार, कोलाश का। और इसके बाद धुंधु दैत्य के मुख से आग निकला जिसे उनके पुत्र जल गए थे, 3 बचे थे, दृढ़ास, कपिलास और भद्रास। दृढ़ास से हर्यास, हर्यास से निकुंभ, और फिर इसी वंश में आगे चलकर फिर एक राजा हुए जोनाश। जोनाश एक पहले भी थे, दूसरा जोनाश है, उसी वंश परंपरा में एक जोनाश हुए। और जोनाश संतानहीन थे इसलिए वो बहुत दुखी रहते थे, और अपने 100 स्त्रियों के साथ वन में गए थे पुत्र प्राप्ति के लिए, और एकाग्रता से तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। एक दिन महाराज जोनाश को रात को बहुत जोर से प्यास लग गई। प्यास लगी तो अब पानी खोजने लगे, सभी लोग सो गए थे रात को, जग मंडप में सारे ब्राह्मण भी सो गए थे, कोई जगह नहीं था, पानी खोज रहे थे। तो अभिमंत्रित जल जो रखा गया था किसी कलश में, अब देखे यही पानी है, उनको समझ में नहीं आया कि ये अभिमंत्रित है ब्राह्मणों के द्वारा, उसी को उठाकर पी गए। सुबह में जब ऋषि लोग जगे और अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हवन आदि, तो कहे अरे ये कलश का पानी किसने पिया, लगे पूछने। तब तक मालूम पड़ा कि भगवान की अद्भुत प्रेरणा जोनाश पी लिया है। अब तो एकदम ऋषि लोग भगवान पर आश्चर्यचकित हो गए, हे प्रभु आपकी क्या इच्छा है, धन है प्रभु, वास्तव में आपका बल ही बल है, चाहे कोई भी कुछ भी बुद्धि लगावे कुछ नहीं हो सकता। अब तो राजा के गर्भ में, राजा के पेट में पुत्र हो गया, वही उसी अभिमंत्रित जल से चारु बनाना और रानी को देना था, वो राजा पी लिया, तो राजा को ही गर्भ हो गया। ऋषि लोग कहे कि कोई बात नहीं, आप इंतजार कीजिए, आपसे पुत्र पैदा होगा। लेकिन जब जोनाश को बहुत दिक्कत होने लगा, तो प्रसव का जब समय आया 9-10 महीना के बाद पुत्र के जन्म का, तो दाहिना कोख फाड़ करके एक पुत्र पैदा हुआ, बड़ा तेजस्वी संतान उत्पन्न हुआ, लेकिन उसको पीने के लिए दूध नहीं है। तो अब बड़ा विचित्र अवस्था, ऋषि लोग क्या करें कैसे करें, तब तक इंद्र भी वहां उपस्थित थे। तो इंद्र कहे कि कोई बात नहीं, ये बच्चा रो रहा है, तो उसको कहे इंद्र अपना तर्जनी अंगुली जिसमें अमृत निकलता है उसको पियाए। माँ धाता चिंता, माँ चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, रो मत बेटा। इतना कहकर वो तर्जनी अंगुली उस बालक के मुंह में डाल दिए इंद्र। तो तर्जनी अंगुली पीने लगा, और पीते पीते सुख का अनुभव किया, बच्चा को तो इंद्र बचा लिए, और नाम उसका पड़ गया प्रसिद्ध मानधाता। मानधाता उस बच्चे का नाम पड़ा। बड़ा तेजस्वी राजा हुए मानधाता, और ऋषियों ने जोनाश की भी रक्षा कर ली। तो ये भगवान की अद्भुत लीला है। और इस प्रकार महाराज मानधाता बड़ा तेजस्वी राजा हुए। त्रसदस्यु भी नाम इंद्र रखे थे, त्रसदस्यु, दस्यु माने डाकू, और त्रस माने त्रास देने वाला, डाकुओं को जो दुख देता। उस समय बड़े बड़े डाकू रावण आदि थे जो लुटेरे, वो भी मानधाता से डरते थे, भयभीत रहते थे। तो मानधाता चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े तेजस्वी, 7 दीप पृथ्वी का राजा थे। महाराज मानधाता शशि बिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किए, और उनके गर्भ से 3 पुत्र प्राप्त किए, पुरुकुत्स, अम्बरीश, दूसरा अम्बरीश है जिस अम्बरीश की कथा हुई उससे भिन्न अम्बरीश, और जोगी मुचकुंद। ये सूर्य वंश के राजा हैं।
और देखिए इनकी राजधानी उस समय सूर्य वंशों की राजधानी जमुना तट पर उधर मथुरा के में था। बाद में लोग सरजू के तरफ अपनी राजधानी बनाए। मथुरा में राजा थे मंधाता महाराज, सूर्य वंश के राजा थे और मथुरा में इनकी राजधानी थी। परम तेजस्वी मुचकुंद, अम्बरीश और पुरुकुत से तीन पुत्र हुए और 50 पुत्रियां थी मंधाता मुनि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन 50 लड़कियों से सौभरी मुनि ने विवाह किया। परम तेजस्वी सौभरी एक बार जमुना में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे, जल में अंदर प्रवेश करते थे और प्रवेश करके बैठ जाते थे, वो दुनिया नहीं दिखाई देता, जल का जो सतह था आगे पीछे चारों तरफ हट जाता था, एकदम शीशे का घर बन जाता, स्पर्श नहीं करता था उनको, घुसते और हट जाता जल, और ऊपर भी जल का परत, बगल में भी नीचे भी, एकदम कोई उनके शरीर का स्पर्श नहीं करता, वहीं बैठकर माला जपते, चिंतन करते, समाधि में भगवान का ध्यान करते, दुनिया के हलचल से दूर जमुना के जल में घुस जाते। एक दिन भजन करते करते अपने को मैंने रिलैक्स की अवस्था में थोड़ा सा भजन से हटकर उसी जल में बैठे बैठे अपने आसन पर से जलचर जीवों को देखने लगे। अब देखिए ये गलती हो गई सौभरी से, देख रहे हैं उसमें क्या कि जलचर जीवों में एक मत्स्य है, बड़ा मत्स्य, और वह अनेक मछलियों के साथ संग कर रहा है। देख करके सौभरी के मन में एकदम धीरे धीरे देखने लगे, देखते देखते इनके मन में कामुकता आ गया। मत्स्यराज के सुख को देखकर ब्राह्मण सौभरी के मन में विवाह करने की इच्छा हो गई। चलो मंधाता के पास चलता हूँ, सुना हूँ उनकी 50 बेटियां हैं, वृंदावन में जमुना में तपस्या कर रहे थे, मथुरा नजदीक राजा है, चलता हूँ उसी से एक लड़की मांग लूंगा, विवाह कर लूंगा। और चले आए एकदम निर्लज साधु, एकदम सीधा आ गया मंधाता जी के दरबार में। और मंधाता जी जब देखे कि सौभरी मुनि आए हैं, एकदम तेजस्वी मुनि, वृद्ध महात्मा, शरीर में झुरियां पड़ी हुई है, और आ गए तो मंधाता जी बड़ा उनको खड़ा होकर स्वागत किए, आदर किए और कहे कैसे आए ब्राह्मण, आप बड़ी कृपा किए। तो कहे हाँ आया, मेरी विवाह करने की इच्छा हो गई है और सुना हूँ कि तुम्हारे पास 50 लड़कियां हैं, उसमें एक लड़की मेरे साथ ब्याह कर दो। अब तो मंधाता जी कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, लेकिन एक तो वज्रपात जैसा ऋषि का वाक्य सुनाई दिया, तो कहे कि ठीक है, लेकिन हमारी वंश परंपरा की एक विधि है कि हम स्वयंवर करते हैं, हमारे परिवार में परंपरा से ऐसा होता है, हम देश विदेश के राजाओं को आमंत्रित करते हैं, राजा ब्राह्मण और क्षत्रिय सब जुटते हैं और हमारी बेटियां वरमाला लेकर के स्वयं अपने से वर का सिलेक्शन करती है, जिसके गले में माला डाल दे उससे विवाह होता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय में जिसको स्वीकार कर ले। मैं स्वयंवर कर देता हूँ और आप आइए, अगर आपको कोई पसंद कर लेगी तो आप विवाह कर लीजिए। सौभरी समझ गए कि चलाकी कर रहा है, ये समझ रहा है कि मेरे जैसे व्यक्ति से तो कोई विवाह करेगी नहीं, तो कहे कि ठीक है जल्दी तैयारी करो। मन ही मन सोचने लगे कि मैं ऐसा सुंदर बनाऊंगा अपना रूप कि राज कन्या है क्या, देवताओं की स्त्रियां भी मुझे एक बार पति बनाने के लिए मचल पड़ेगी, यह है तेज, इतना सुंदर रूप बनाऊंगा। और बना लिए, बना करके एकदम आ गए सौभरी इतना सुंदर, तो कहे कि हाँ आप अपनी बेटियों को भेजो प्रसन्न करने के लिए मुझे। तो अब तो राजा क्या करे, बिना स्वयंवर की सूचना के उनके 50 बेटियों के पास भेज दिए। तो सब आपस में कहने लगी पिताजी हमारा विवाह इनके साथ कर दीजिए, हमारा कर दीजिए, सब कहने लगी 50। महाराज मंधाता कहने लगे कि आपको तो हमारी 50 बेटियां प्रसन्न कर रही, हम किसको करें किसको नहीं, 50 को कर दो। और मंधाता की 50 बेटियों के साथ विवाह कर लिए और विवाह करके अपने तेज से, जैसे आप सुने हैं कर्दम मुनि की तपस्या का तेज, वैसे ही सौभरी उनके रहने के लिए घर मकान से सारे बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेक उपवन, सरोवर, मकान सब बना कर, पुष्प बगीचा, बहुत सुंदर महल, उसमें फर्स्ट क्लास सारा फर्नीचर, सब सुस्वादु भोजन, सारा चीज भर दिए
और मुन स्त्रियों के साथ रहने लगे। यहाँ तक कि सप्त दीपवती सम्राट महाराज मंधाता भी सौभरी के ऐश्वर्य के सामने फीका पड़ गए। पूरे पृथ्वी का सम्राट मंधाता महाराज भी जब देखे सौभरी का ऐश्वर्य तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। मैं सार्वभौम सम्राट हूँ, यह अहंकार मंधाता का चला गया। इस प्रकार सौभरी घर गृहस्थी में भोग भोगते हुए उनकी तृप्ति नहीं हो रही थी, जैसे आग में घी डालने से आग नहीं बुझता है। लेकिन एक दिन उनको होश आया कि अरे कहां से मैं कहां चला गया। सौभरी ऋषि स्वस्थ चित्त से बैठकर विचार करने लगे, क्षण भर के मत्सराज के संग से कहां मेरा पतन हुआ। अपने से कह रहे हैं, अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विना सचरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रच्यावितं ब्रह्मचिरं धृतं जत। अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अनेक व्रतों का पालन किया था, हाय यह मेरा अधपतन देखिए, मैं कैसा गिरा हूँ। जल के भीतर घुस करके तपस्या करता था, लेकिन जल के अंदर ये मछली का संग देख करके मैं गिर पड़ा। दीर्घ काल तक तपस्या, थोड़ा सा मछली का संग देख करके उनके संसर्ग में आकर मेरा तपस्या नष्ट हो गया। इस तरह से परस्पर स्त्री पुरुष का आलिंगन चुंबन देखते हैं, उनकी क्या गति होगी। अरे क्षण भर के संसर्ग से मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया, इसलिए एक शिक्षा दे रहे हैं। संगम त्यजत मिथुना व्रतिना मुमुक्षो सर्वात्मनान विसजेत बहिरेन्द्रियाणी एकस चरण रहस्य चेत मनंत ईशे युजित तद व्रति सुसाधु सुचेत प्रसंग। संगम त्यजत मिथुना व्रतिना मुमुक्षु, जिसे मोक्ष की इच्छा है, जिसे इस संसार के बंधन से छूटने की लालसा है, उस पुरुष को चाहिए कि भोगी प्राणियों का संग छोड़ दे। किसी प्रकार का भोग भोगते हुए लोगों का संग नहीं उनको न देखे, भोगी प्राणियों का संग छोड़ दे, एक क्षण के लिए भी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे, एकदम बचा कर रखे, अकेला रहे, एकांत में रहे, अपने चित्त को भगवान में लगे। यदि संग करने की आवश्यकता हो, ऐसा लगे कि हम अकेले ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं, एकांत में नहीं रह सकता, तो युजित तद व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंग, उसे भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान भक्तों का संग करना चाहिए, जो व्रत लिए हैं कि हम जीवन में केवल कृष्ण का भजन करेंगे, ऐसे एक निष्ठ महात्माओं का विरक्तों का संग करे। जिसको इस संसार से पार जाना है उनको तो महात्माओं का संग करना पड़ेगा। सारा सिद्धांत यहीं आकर समाप्त होता है, वो चाहे कोई आचार्य बोले या भगवान बोले, एक ही बात बोलते हैं, महात्माओं का संग करना चाहिए। पहले मैं अकेला तपस्या में लीन था, अपनी दशा को कह रहे हैं, फिर मछली के संग करने से 50 हो गया, 51 हो गया, और आज संतान के रूप में 50,000 हूँ। इतनी माया बढ़ गई है कि हमारी बुद्धि हर ली गई, सारी भक्ति की क्षमता सामर्थ बस इन लोगों के सोचने में ही पड़ गया है, सारी लालसा बस यही, अब नहीं, बहुत हो गया। देखिए भजन किए थे, भजन काम दे दिया, इसी जीवन में एकदम चेत गए। सौभरी जी को कोई अलग से प्रीचिंग नहीं किया, अपने से चेत गए। वृंदावन धाम में रहते थे, महात्मा लोग आया करते थे, देख देख कर तरस आ गई होगी, अपने समय के भक्त लोग ज्यों के त्यों विरक्ति में भजन कर रहे हैं, और उनके साथ का मैं यहाँ गृहस्थी में मर रहा हूँ। अब इनको चेत हुई, कुछ दिन घर में रहे, फिर विरक्त होकर संन्यास ले लिए। तो लड़कियां भी तो मंधाता की थी, बहुत बड़े राजा और भगवान के भक्त, वो सब अपने पति को सर्वस्व मानने वाली, वो भी कही कि नहीं नहीं, हम लोग भी आपके साथ वन में चलेंगे। और सारे पुत्र पौत्रों को राज छोड़कर सौभरी मुनि तपस्या करने गए, और साथ में उनकी स्त्रियां भी गई, और फिर भजन के प्रभाव से अपने शरीर को भगवान के भक्ति में लीन करके समाधि में युक्त होकर के इन्होंने शरीर छोड़ दिया, और उनकी स्त्रियां भी उनका अनुगमन की, उनके साथ उनके चिता में उनको जलाते हुए सब सती हो गई 50।
और जिस गति को सौभरी मुनि प्राप्त किए उस गति को उनकी पत्नियां भी प्राप्त की। फिर आगे हरिश्चंद्र की कथा है। राजा हरिश्चंद्र इसी सूर्य वंश में एक तेजस्वी राजा हुए हैं। इस प्रकार मंधाता के पुत्रों में अम्बरीश थे, दूसरा अम्बरीश मंधाता के पुत्र, और जोनास जी ने इनको पुत्र के जैसा मानते थे। इनसे जो पुत्र हुए उनको जोनास कहा गया, अम्बरीश के पुत्र को। तो इस प्रकार विविध प्रकार से इनके अवान्तर गोत्र भी हुए। इनके गोत्र में कुछ ब्राह्मण, कुछ दूसरे लोग भी उत्पन्न हुए आगे चलकर। ये नागराज वासुकी की नागों की बहन नर्मदा से विवाह किए और वासुकी की आज्ञा से वो नर्मदा उनको रसातल लेकर आई थी और गंधर्वों का वध किए। नागों ने भी इनका बहुत सम्मान किया। तो पुरुकुत्स के त्रसदस्यु नामक पुत्र हुए। इस प्रकार इनके पुत्र हुए अनरण्य, हरियस और अरुण, अरुण के त्रिबंधन और उनके सत्यव्रत, और यही सत्यव्रत त्रिशंकु नाम से विख्यात हुए आगे चलकर। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के साप से चंडाल हो गए थे, विश्वामित्र का शरण लिए तो कहे कि नहीं, मैं आपको भेज दूंगा स्वर्ग। स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो गए तो स्वर्ग भेजे तो देवताओं ने ऊपर से इनको नीचे भेज दिया, ढकेल दिया, स्वर्ग में नहीं रह सकते, सिर नीचे करके गिरने लगे। तो विश्वामित्र अपने तपस्या के बल पर कहे, नहीं नीचे नहीं आ सकते हो, ऊपर ही रहना है। तो बेचारा त्रिशंकु न ऊपर गया न नीचे गया, वहीं से लटक गया आकाश में, और उनके मुंह से लार गिरता हुआ एक नदी बना है जिसको कर्मनाशा कहते हैं। वहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर है कर्मनाशा की नदी, दक्षिण से बहती है उत्तर और आकर फिर बाद में एक छोटी नदी में मिलकर गंगा में मिलती है। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। शुरू में हरिश्चंद्र का कोई संतान नहीं था, तो नारद जी के उपदेश से वरुण देवता का जजन किए। वरुण जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहे कि आप हमें पुत्र दे देंगे तो उसी पुत्र से आपका जजन करूंगा, मतलब उसी पुत्र को आपके के लिए बलि चढ़ाऊंगा, पुत्र को ही। तो पुत्र प्राप्त करके क्या लाभ होगा जब बलि ही कर देंगे तो पुत्री का नाम मिट जाएगा। जो भी सोच कर ऐसा कहे तो एक पुत्र हुआ वरुण जी के कृपा से रोहित। लेकिन रोहित इतना सुंदर था कि हरिचंद्र के मन में लोभ हो गया कि अब इसे नहीं देना है। तो वरुण जी आकर याद दिलाते थे, अरे भाई अब तो आपको पुत्र हो गया, हमारा पूजा कब करोगे? तो वो कहने लगे कि थोड़ा लड़का बड़ा हो जाए, अभी पूजा लायक, अभी बलि देने लायक नहीं है। तो इस तरह से करते करते मुंह में दांत निकल जाए, फिर दांत जब उग गया तब कहे कि अब दूसरा दांत जम जाए, पहले वाला गिर कर थोड़ा और जवान हो जाए। फिर आगे फिर कहने लगे, जब हथियार पकड़ने लगे, कवच बांधने लगे, जवान हो जाए। इस तरह से करते करते टालते जाते थे। इस विश्व में हमारे वैदिक इतिहास में सबसे बड़े सत्यवादी राजा का नाम है हरिश्चंद्र। सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे, लेकिन पुत्र का मोह अद्भुत होता है। वो टाल रहे थे, ये नहीं कह रहे थे कि नहीं बोली देंगे। अब धीरे धीरे वरुण देवता रुष्ट हो गए और महोदर रोग हो गया, इनको पेट में पानी भर गया, बड़ा पेट हो गया हरिश्चंद्र का। रोहित को बड़ा दुख हुआ, वो कहने लगा कि देखिए कुछ भी हो आप मुझे बलि दे दीजिए, आप ठीक नहीं है इस तरह से दुख सहना। इंद्र के पास आकर प्रार्थना करने लगा वो लड़का कि हमारे पिताजी की रक्षा कीजिए। बहुत प्रभावित था, पिता की रक्षा चाहता था। तो इंद्र ने उनको एक व्यवस्था दिया कि देखो, जग पशु बनकर मरने की अपेक्षा तीर्थ में रहना अच्छा है। इंद्र की बात मानकर एक वर्ष तक वन में रहे रोहित। फिर इसी प्रकार दूसरे तीसरे चौथे पांचवें वर्ष तक इसी तरह रहते रहे, परंतु पिताजी बड़ा दुख सह रहे थे। तो 6 वर्ष में वन में रहने के बाद रोहित के मन में आया कि अरे ठीक नहीं है। तो एक अजिगर्त नाम का राजा था, उसका बेटा को रोहित खरीद करके लाया और कहा कि हमारे बदले में आप तो बलि दे दीजिए, इसको सुना सेब को बलि दे दीजिए। तो इस प्रकार राजा हरिचंद ऐसा किए और फिर वरुण देव के क्रोध से शांत हुए और बाद में एक यज्ञ कराए विश्वामित्र की अध्यक्षता में। तो विश्वामित्र जी आकर के यज्ञ किए, जिस यज्ञ में वशिष्ठ जी भी उपस्थित थे।
उसमें विश्वामित्र की अध्यक्षता थी, होता बने जमदग्नि जी, अधर्वु, वशिष्ठ जी ब्रह्मा और आयास्य मुनि साम गान के उद्गाता बने। इस प्रकार ये लोग यज्ञ किए और यज्ञ से भगवान इंद्र प्रसन्न होकर इनको सोने का रथ दिया और बाद में इनके सत्य की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र ने हरिचंद्र के साथ बहुत बड़ा शर्त रखा और बहुत बड़ी परीक्षा लिया, लेकिन उस परीक्षा में बड़ा सफल निकले हरिश्चंद्र और बाद में विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए उनके ऊपर, इंद्र भी बहुत प्रसन्न थे। इस प्रकार हरिश्चंद्र के ऊपर इंद्र और विश्वामित्र की बहुत बड़ी कृपा हुई, उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किए जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है। और इस प्रकार हरिश्चंद्र जी ने अपने पुत्र रोहित को राज देकर फिर भजन के लिए निश्चिंत होकर वन में चले गए। तो अपने अज्ञान को उन ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा प्राप्त ज्ञान के बल पर समाप्त कर दिए और अपने चित्त को भगवान में लगाए। इसके बाद हरिचंद के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के पुत्र हुए सुदेव और सुदेव के विजय, विजय के भरुक और भरुक के ब्रीक, ब्रीक के बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज छीन लिया था और जब राज छीन लिए तो पत्नी के साथ वन में चले गए। और जब बाहुक की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी सती होनी चाहिए लेकिन वो गर्भवती थी, तो महर्षि और ने उन्हें रोक दिया, नहीं नहीं तुमको सती होने का अधिकार नहीं है, तो रोक दिए। कई पत्नियां थी उसमें एक गर्भवती थी, उसको रोक रहे थे और रोक दिए और भी पत्नियां रुक गई, तो उनको बड़ा जलन हुआ कि इसका पुत्र फिर राजा बनेगा, ये होगा सौतिया डाह हुआ। तो वो भजन की थी, तेजस्वी थी, अब उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए सौतों ने अनजान में विष दे दिया, विष को गर कहते हैं, तो गर डाल दी उनके गर्भ में। अब विष जब चला गया गर्भ में, लेकिन वो बच्चा मरा नहीं, जब समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ तो साथ में काला विष भी उत्पन्न हुआ, गर के साथ बच्चा उत्पन्न हुआ, इसलिए उस बच्चे का नाम ऋषियों ने सगर रखा, सगर, गर के साथ है, विष के साथ है, इसलिए उस बालक का नाम सगर हुआ। तो सगर महाराज बड़ा तेजस्वी राजा हुए, इन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोद करके सागर बनाया है। एक बार सगर महाराज यज्ञ कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ, और उनके यज्ञ को पूरा न होने देने के लिए देवराज इंद्र उनके घोड़े को चुराए, चुरा करके ले जाकर भगवान कपिल के आश्रम में बांध दिए। और ये बच्चे खोजते 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 उस घोड़ा को खोज रहे थे, कहाँ है, आकाश में ऊपर नीचे ऋषियों के आश्रम में कहीं नहीं पता चला, तो पृथ्वी खोदने लगे कि पृथ्वी के भीतर भी कहीं हो। पृथ्वी को खोदते हुए जब पहुंचे, खोजते हुए तो कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, समाधि में थे, उन्हीं के बगल में घोड़ा बंधा हुआ था। वो सगर के पुत्र जाकर उनको उटपटांग बोलने लगे, आंख बंद करके लगता है समाधि में बैठा है चोर कहीं का, ला करके हम हमारा अश्व घोड़ा और अपने आश्रम में बांधा है और हम लोगों को देख कर आंख बंद किया है। अब ऐसे बोल रहे हैं तब तक एकाएक उनकी आंख खुली दृष्टि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कपिल क्रोधित नहीं हुए, लेकिन उनके चरणों में अपराध करने वाले सगर के पुत्र भगवान कपिल देव की दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो गए, अपराध किए थे। अब सगर महाराज के जो मुख्य पुत्र तो मर गए, अब दूसरी पत्नी केशिनी, उसके गर्भ से एक असमंजस नाम का पुत्र हुआ। वो पूर्व जन्म में जोगी था, बड़ा विचित्र विचित्र काम करता था, उसको पहले की बातें याद आती थी। असमंजस का एक पुत्र हुआ अंशुमान, अंशुमान को ही वो असमंजस राजा बना दिया। तो अंशुमान जब राजा हो गए, अब राजा होने के बाद इनके मन में आया कि हमारे चाचा लोग जो भगवान कपिल के तेज से जल चुके हैं, तो उनको हम लाएंगे। तो उनको लाने के लिए चेष्टा करने लगे और गए भगवान कपिल के आश्रम में, जा करके उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया अंशुमान, भगवान कपिल देव को प्रसन्न किया, उनकी परिक्रमा किया, उनके चरणों में बार बार आग्रह किया और कहा कि हे भगवान, आप कृपा कीजिए, हमारे इन चाचाओं की सदगति होनी चाहिए, आपके तेज से जल गए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा।
आप उपाय बताइए। तो उसके भक्ति भावना को देखकर भगवान कपिल देव प्रसन्न हो गए, कहे बेटा एक घोड़ा ले जाओ और यज्ञ करो, अपना पिता का जो अधूरा यज्ञ है उसको पूरा करो। अपने दादा का असमंजस के पुत्र था सगर जी, दादा थे, और तुम्हारे इन चाचाओं का उद्धार तब होगा जब गंगा जी आएंगी स्वर्ग से, और उनका जल जब यहाँ स्पर्श करेगा तब इनका उद्धार हो जाएगा गंगा जल से। तो अंशुमान भगवान कपिल की बात मानकर घोड़ा लेकर आया, यज्ञ किया, और इसके बाद अंशुमान के इस तेज को देखकर सगर महाराज बड़ा प्रसन्न हुए, उसे राजा बनाए। निष्प्रिय होकर निश्चिंत होकर वन में चले गए मुक्त होकर भजन करने, और महर्षि और के बताए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति किए। बेचारा अंशुमान बहुत प्रयास किया गंगा जी को लाने का, कई वर्षों तक घोर तपस्या किया किंतु सफलता नहीं मिली। आगे के अध्याय 9वां अध्याय में। इसके बाद समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र थे दिलीप, दिलीप भी प्रयास किए गंगा को लाने के लिए, बहुत प्रयास किए, लेकिन दिलीप को भी सफलता नहीं मिली। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ, उन्होंने बड़ी तपस्या की और भगीरथ के तपस्या से गंगा जी प्रसन्न हो गई। जब गंगा जी प्रसन्न हो गई तो प्रसन्न होकर के भगीरथ से कहने लगी, बेटा जिस समय मैं स्वर्ग से नीचे पृथ्वी तल पर गिरूंगी उस समय मेरे बेग को कौन धारण करेगा? मेरा बहुत तेज बेग होगा, स्वर्ग से जब नीचे गिरेगा तो पृथ्वी को फोड़ करके नीचे पाताल में चला जाएगा, रसातल में मैं चली जाऊंगी, तो कोई लाभ नहीं होगा, तुम्हारे पितरों को नहीं मिल पाएगा जल। और दूसरी बात यह है बेटा कि जब हम भारतवर्ष में इस तरह से बहूंगी नदी के रूप में तो पापी लोग अपना पाप धोने के लिए मुझ में स्नान करेंगे, सारा पाप मेरे ऊपर चढ़ा देंगे, मेरा पाप कैसे दूर होगा? तब भगीरथ जी कहने लगे कि माता जी, जो लोक परलोक को छोड़ करके, सारे संपत्ति को छोड़कर, स्त्री पुत्र की कामना छोड़कर, जो केवल भगवान के भजन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं संसार से उपनिष्ठ उपरत होकर, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जब आप में स्नान करेंगे यह जानकर कि ये विष्णु पादोदक है, भगवान के चरण जल है, तो आपका पाप तो ऐसे मिट जाएगा ऐसे वैष्णवों के स्नान करने से, तो आप इसके लिए तो चिंता ही मत कीजिए। और रही बात आपके बेग को धारण करने का, तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ, वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हारे बेग को धारण कर लेंगे, नहीं जाने देंगे रसातल में। भाई ठीक है, ऐसा करो। भगवान शिव को तैयार करने के लिए गए, उनके चरणों में भगीरथ प्रार्थना किए, तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए, ठीक है कह दो गंगा को आने को। इसके बाद गंगा जी जब आई तो भगवान शिव अपना जटा फैलाकर गंगा को धारण किए अपने जटा में, और इतना आनंद भगवान शिव को आया भगवान विष्णु के चरणोदक को प्राप्त करके, जो भगवान के चरणों को धोकर आ रही हैं, भगवान शिव तो एकदम विह्वल हो गए गंगा को प्राप्त करके। फिर भगीरथ जी को प्रार्थना करना पड़ा, प्रभु आपके इस जटा में घूमने के लिए गंगा को नहीं लाया हूँ, अपने पितरों का उद्धार करना है। तब फिर दिए और उस गंगा जल को भगीरथ आगे आगे चले रथ से, और जैसे रास्ता बताए उस तरह से गंगा जी पीछे पीछे भारत वर्ष के भूमि को पवित्र करते हुए जहाँ सगर के पुत्र सागर राख हुए थे वहाँ आई, और वहाँ आकर के जब स्पर्श हुआ उस धरती से तो सभी लोग जो ब्राह्मण के तेज से तिरस्कृत होकर भस्म हुए थे, उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं था, भगवान कपिल देव के तेज से जले थे, उनकी सदगति हो गई, वे स्वर्ग चले गए। इसके बाद गंगा जी के स्पर्श हो जाने से स्वर्ग चले गए। अवसर पाकर सुखदेव गोस्वामी गंगा की महिमा गाते हैं, भस्मी भूतांग संगे न स्वर्याता सगरात मजा, किम पुनः श्रद्धया देवी जे सेवन्ते धृतव्रता। अरे परीक्षित, जब गंगा के जल सगर के पुत्रों के राख का स्पर्श होने से वो स्वर्ग की प्राप्ति करा दिया, उस जमीन पर जहाँ वो लोग राख हुए थे उसका स्पर्श होने से उनकी सदगति हो गई, तो जो लोग किम पुनः श्रद्धया देवीम, जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर गंगा का सेवन करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, आचमन करते हैं, पान करते हैं, उनके विषय में क्या कहना है, किम पुनः।
किम उत क्या कहा जाए, किम पुनः श्रद्धया देवी जय सेवनते धृतव्रता। धृतव्रता नियम बनाकर जो गंगा का सेवन करते हैं व्रत पूर्वक प्रतिदिन, कुछ लोग हजारों मील दूर हैं गंगा से और नियम बनाकर गंगा के तट पर आकर बसते हैं, अपना कुटिया बनाते हैं कि प्रतिदिन गंगा में स्नान करूंगा, गंगा का जल सेवन करूंगा, पान करूंगा, पूजा करूंगा। तो इस निष्ठा के साथ, इस प्रकार श्रद्धा के साथ जो गंगा का पूजा करता है उसके विषय में क्या कहना है, कितना सौभाग्यशाली है जो इस तरह पूजा करता है। और जिनका भगवान के कृपा से गंगा तट पर निवास हो गया है उनको क्या कहना है। और जो गंगा के तट पर है, मैंने गंगा की जो महिमा कहा उसमें कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है। वास्तव में जो गंगा के तट पर निवास कर रहा है, जिनको गंगा का दर्शन करने का अवसर मिलता है, स्नान करने का अवसर मिलता है, उनके विषय में क्या कहा जाए। वास्तव में जो गंगा के तट पर है बहुत सौभाग्यशाली हैं। गंगा का सेवन करना चाहिए, स्नान करना, जल पान करना, पूजा करना, प्रणाम करना गंगा जी को प्रतिदिन। क्यों गंगा की इतनी महिमा क्यों है, तो कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान के चरणों को धोकर निकली है, आज तक वो चरण धोन आ रहा है ऊपर से। आप पांचवें स्कंद के 17वां अध्याय में इस कथा को कहा गया, जब भगवान त्रिविक्रम वामन रूप में आए और बलि महाराज के जग में माप रहे थे तो कवर फट गया है ब्रह्मांड का और आज तक मरम्मत नहीं हो पाया है। वो जल स्पिरिचुअल जल कारणोदक का गिर रहा है भगवान के चरण को धोकर। तो इस प्रकार जिन चरणों के चिंतन करने से बड़े बड़े मुनि पवित्र हो जाते हैं। सन्निवेश मनोजस्मिन श्रद्धया मुनयो मला त्रैगुण्यम दुस्तेजम हित्वा सद्यो जाता तदात्मताम। भगवान के चरणों को, चरण दूर है, नजदीक नहीं है, उन चरणों का जो मन में बैठकर चिंतन करता है केवल कि भगवान का चरण ऐसा है, उस व्यक्ति का चित्त पवित्र हो जाता है और प्रकृति के गुणों को काट कर वो भगवत स्वरूप बन जाता है केवल चरणों का चिंतन करने से। और गंगा उन्हीं चरणों को धोकर आ रही है और ऐसे चरण को स्पर्श करके आ रही है, छू कर आ रही है, तो इस गंगा के सेवन से बंधन कट जाएगा। इसमें क्या आश्चर्य है। कहा जाता है कि दूर से गंगा गंगा केवल उच्चारण करें, स्मरण करें तो व्यक्ति का पाप मिट जाता है, स्नान करने से, सेवन करने से, पूजा करने से तो क्या कहना है। तो इसलिए आलस प्रमाद छोड़कर गंगा जी का सेवन करना चाहिए, कम से कम एक बार प्रणाम कर लेना चाहिए, जल स्पर्श करना चाहिए, बहुत निकट है, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। इतना महिमा, जब केवल राख के स्पर्श से स्वर्ग हो सकता है तो सेवन करने से तो निश्चित वैकुंठ हो जाएगा। तो इस प्रकार गंगा की महिमा है। ऐसे फिर भगीरथ के पुत्रों की आगे कथा कहते हैं कि भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत और उनके नाभ, नाभ के सिंधु दीप, आयु तायु और ऋतु पर्व सर्व काम सुदास, सुदास को सौदास, मित्र सह और कलमास पाद एक कहा गया सौदास को। वह वशिष्ठ जी के साप से एक बार राक्षस हो गया था। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि सौदास को वशिष्ठ जी श्राप क्यों दे दिए। एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए थे, वहां एक राक्षस को मार डाले वन में और उसका भाई था, रेंज में आ गया था लेकिन छोड़ दिए, एक को मार दिए, भाई को छोड़ दिया और भाई अपने भाई का बदला लेने के लिए सौदास के साथ बड़ा भारी अन्याय किया। वेश बदल करके सौदास महाराज के रसोईया के रूप में काम करने लगा और भोजन बनाता था विविध प्रकार का। एक दिन भोजन बनाया था और ये अपने गुरु महाराज वशिष्ठ जी को आमंत्रित किए खाने के लिए। सौदास को कुछ पता नहीं था कि ये जो रसोईया है वो राक्षस है और वेश बदल कर रह रहा है अपने भाई का बदला लेने के लिए। वो क्या किया कि मनुष्य का मांस सब्जी में बनाकर दे दिया वशिष्ठ जी को। तो वशिष्ठ जी के थाली में जब परोसी गई मांस, तो वशिष्ठ जी तो बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण थे, भगवत भक्त, एकदम जान गए कि ये मनुष्य का मांस है। तो कहे, अरे सौदास, अरे दुष्ट, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो, तुम इस कार्य के चलते राक्षस हो जाओ, श्राप दे दिए, राक्षस हो जाओ। बाद में सौदास जी जब कहने लगे, प्रभु
गुरुदेव क्या हुआ, मैं तो कुछ नहीं समझ रहा हूँ, आप त्रिकालदर्शी हैं, ये क्या हुआ मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वशिष्ठ जी जब फिर अपने चित्त को एकाग्र करके विचार करने लगे तब समझ गए कि ये काम सौदास का नहीं है, ये राक्षस का है। तो कहे कि चलो अब मुंह से निकल गया तो व्यर्थ तो नहीं होगा, 12 साल तक राक्षस रूप में रहोगे। अब इसके बाद राजा सौदास को भी बड़ा क्रोध आया, कहा कि हम कोई गलती नहीं किए फिर भी 12 साल, किस लिए 12 साल, मुझे पता था कि ये राक्षस है, मुझे तो पता नहीं था, आपको तो सब कुछ पता है। तो जिस तरह आपको पता चल गया कि आपके सब्जी में मनुष्य का मांस है, उसी प्रकार पता कर लेना चाहिए ना कि किसका काम है, आप व्यर्थ में मुझको श्राप क्यों दे रहे हैं। यदि आप श्राप मुझे दे रहे हैं तो मैं भी श्राप दे रहा हूँ, जल ले लिया हाथ में, जल हाथ में ले लिए, सौदास कहे मैं भी आपको श्राप दूंगा। मदयंती कहने लगी नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। मदयंती बड़ी पतिव्रता और ब्राह्मण भक्त थी, कहीं नहीं नहीं गुरुदेव जो भी दे दिए उसको सह लो ठीक है, लेकिन आप इनको श्राप मत दो। पानी हाथ में ले लिए एकदम, अब श्राप देने जा रहे थे तब तक मदयंती रोक दी, ना ना ऐसा मत कीजिए, इस जल को ब्राह्मण के ऊपर मत डालिए। तब महाराज सौदास विचार करने लगे आखिर अब इसको किसको डालूं, सभी दिशाओं में जीव है, ये जहाँ जाएगा वहाँ नाश करेगा। तो अब विचार करके उस जल को अपने पैर पर डाल लिए और उनका पैर कलमस पाप के कारण कलमस पाद काला हो गया, इसलिए उनका एक नाम हुआ कलमस पाद। और 12 वर्ष तो वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गए। तो राक्षस होकर के एक दिन राक्षस बने हुए कलमस पाद राजा सौदास वन में घूम रहे थे, अब वनवासी ब्राह्मण दंपति को देख लिए, कलमस पाद को भूख लगी हुई थी, बस ब्राह्मण को पकड़ लिए। और ब्राह्मण कामोत्तेजना में थे, ब्राह्मणी के साथ सहवास कर रहे थे, तब तक पकड़ लिए और ब्राह्मणी एकदम हाथ जोड़ने लगी, पकड़ लिए खाने के लिए, हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप ऐसा मत कीजिए, आप इक्ष्वाकू वंश के तेजस्वी राजा हैं, आप अपने स्वरूप को देखिए महाराज, आप हमारे पति को छोड़ दीजिए, यह मनुष्य शरीर धर्म के लिए हुआ है, आप अधर्म मत कीजिए, अन्याय मत कीजिए, आप में शोभा नहीं दे रहा है, आप क्षत्रियों का कर्तव्य है ब्राह्मण की रक्षा करना, आपके हाथ से हमारे पति का वध ठीक नहीं है। लेकिन ये मान नहीं रहे थे, बार बार इस तरह से प्रार्थना कर रही थी, जैसे पिता अपने हाथ से पुत्रों की हत्या कर दे वैसे राजा अपनी प्रजा का हत्या करे, उसमें भी ब्राह्मण का और ब्राह्मण में भी तेजस्वी भगवत भक्त का, इस तरह उचित नहीं है प्रभु, साधु समाज में आपका बड़ा सम्मान है, वैष्णव समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, आप मेरे परोपकारी निरपराध सोतिए ब्रह्मनिष्ठ पति की वध मत कीजिए, मत कीजिए, हे राजन आप महारानी मदयंती के पति हैं, विश्व प्रसिद्ध पतिव्रता स्त्री है, आप कलंक मत बनिए, आप मत कीजिए ऐसा, आप मत कीजिए, बहुत मना कर रही थी, मैं इनके बिना जी नहीं सकती हूँ, लेकिन माने नहीं, पकड़ कर तोड़ कर एकदम ब्राह्मण को खा गए। ब्राह्मणी को बड़ा क्रोध आया, एकदम छटपटाने लगी और कही अरे पापी तुम हमारे किसी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया, अरे नीच अभी मैं अपने पति के साथ सहवास कर रही थी, काम से पीड़ित थी, लेकिन इस अवस्था में भी तुम हमारे पति का वध किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अरे मूर्ख तुम भी जब स्त्री सहवास की चेष्टा करेगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु महाराज को जैसे श्राप मिला था वैसे। तो इस प्रकार फिर वो ब्राह्मणी चिता बनाई और फिर वहाँ सती हो गई। 12 वर्ष जब बीत गया सौदास जी को तो फिर अपने राजधानी में आए और राजधानी में आने के बाद फिर अपने राजवेश में अपनी मानसिकता जैसे पहले थे वैसा हो गए। 12 वर्ष तक तो राक्षस की मानसिकता थी। इसके बाद स्त्री सहवास की इच्छा किए मदयंती से, लेकिन मदयंती ने उनको रोक दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ब्राह्मणी का श्राप है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो मदयंती एक पतिव्रता स्त्री थी, उनको ऐसा समझाई कि बेचारे स्त्री सुख से बिल्कुल परित्याग कर दिए, लेकिन संतानहीन थे, कोई संतान नहीं था। वशिष्ठ जी से आग्रह किए तो मदयंती को वशिष्ठ जी ने गर्भधान कराया, मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। अब वशिष्ठ जी सोचने लगे कैसे क्या हो, तो फिर पत्थर लेकर के मदयंती के गर्भ पर पेट पर आघात किए बहुत जोर से,
वशिष्ठ जी, तो उनके चोट से बच्चा उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम हुआ अस्मक। अस्मक को मूलक भी कहा जाता है, क्योंकि अस्मक एक ऐसा राजा था, लड़का जब सयाना हुआ, विवाह हुआ, जब उस समय परशुराम जी क्षत्रियों का वध कर रहे थे तो वहां भी आ गए अस्मक के यहाँ भी उसको मारने के लिए, लेकिन वहाँ स्त्रियों ने उसको घेर ली चारों तरफ से, तो परशुराम जी उसका वध नहीं कर पाए, इसलिए अस्मक का एक नाम पड़ गया नारी कवच। तो उसी मूलक के पुत्र हुए दशरथ, वो दूसरा दशरथ। ए महाराज, दशरथ सूर्य वंश में दो हुए हैं, और दशरथ के एडविड, एडविड एडविड के विश्वसह के पुत्र हुए महाराज खटवांग, चक्रवर्ती सम्राट। खटवांग को युद्ध में कोई हरा नहीं पाता था, अजय विजेता थे, और खटवांग महाराज देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में गए थे, बहुत समय तक वहाँ रह गए। इसके बाद पता लगा कि जीवन का केवल ढाई घड़ी शेष है, तो महाराज खटवांग देवताओं से कहे कि हमें अयोध्या में भेज दो, और यहाँ आने के बाद महाराज खटवांग अपना चित भगवान में लगाकर भगवत धाम प्राप्त किए केवल ढाई घड़ी में, क्योंकि महाराज खटवांग अपनी चित्तवृत्ति को पहले से ही भगवान में दे चुके थे, इसलिए उनको शरीर त्यागने में कोई दिक्कत नहीं हुआ और भगवान में चित लगाने में कोई ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। तो इस प्रकार नौवा अध्याय पूरा हुआ। दसवें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र हुए यशस्वी रघु, सूर्य वंश के सुप्रसिद्ध राजा रघु। रघु के नाम पर ही उस वंश का नाम पड़ गया रघुवंश, रघुकुल। और रघुकुल को पवित्र करने आए भगवान श्री राम, रघुकुल भूषण, रघुपति। रघु महाराज बहुत तेजस्वी राजा हुए, रघु के अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और ये महाराज दशरथ साक्षात भगवान की आराधना किए, और श्री भगवान अपने चार अंशों में इनके पुत्र बने, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। दशरथ महाराज बड़ा तेजस्वी राजा थे, और इनका ऐश्वर्य और बल इतना था कि देवता भी तरसते थे, बड़ा तेजस्वी राजा थे, देवताओं की कई बार सहायता किए थे महाराज दशरथ। तस्यानुचरितम राजन ऋषि तत्वदर्शी भी सूतम किम वर्णितम भूरी तया सीतापतेर मुहु। सीतापति भगवान का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों से आप कई बार सुन चुके हैं, वर्णन हो चुका है। रामचरित्र महाराज परीक्षित कई बार सुन चुके हैं, कह रहे हैं कि अब प्रसंग पाकर मैं सूर्य वंश का वर्णन कर रहा हूँ, तो संक्षेप में कहूंगा। भगवान श्री राम इस वंश में आए, और उनके चरणों में मंगलाचरण करते हुए सुखदेव गोस्वामी प्रणाम करते हुए एक श्लोक लंबा कहते हैं, और उसमें भगवान राम की महिमा करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं वो हमारी रक्षा करें। गुरुवर्थे त्यक्त राजो बेचरब दनुबनम पद पद्म्याम प्रियायः पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथ रुजो यो हरिंद्रा नुजाभ्याम बैरूप्या सुप्राख्या प्रिय विरह रुषा आरोपित भू ब्रिजिम्भ त्रस्ताब्धि बद्ध सेतु खलदव दहन कोशलेन्द्रो वतान। भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ की सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ करके वन में गए, वन वन में विचरण किए। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे, इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी जानकी के कर कमलों का स्पर्श भी सहन नहीं कर पाता था। सीता जी के कर कमल और वे चरण जब बन बन में चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर थकावट दूर करते, और सुप्रणाखा का नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इन वियोग के कारण क्रोध बस जब उनकी भौहें तन गई, तो उसे देखकर समुद्र भयभीत हो गया, और इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में प्रवेश करके दुष्ट रावण का वध किए। वे कौशल नरेश भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें। ए सुखदेव गोस्वामी, भगवान राम के विषय में संक्षेप में एक श्लोक में सारी कथा कह दी। इसके बाद कहते हैं कि भगवान श्री राम अनेक दिव्य लीला किए, उन लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रारंभ से ही भगवान साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश का कार्य प्रारंभ किए। इस प्रकार भगवान राम अत्यंत सुंदर, अत्यंत महत्वपूर्ण बाल लीला किए, और अपने पिता दशरथ और माता कौशल्या आदि को आनंद दिए,
फिर गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त किए और विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ में जाकर अनेक राक्षसों को मारे। इस प्रकार फिर वहां से जनकपुर में जाकर शिव जी का धनुष तोड़कर स्वयंवर में सीता को प्राप्त किया, अपने नित्य प्रिया को प्राप्त किया और भगवान परशुराम के बढ़े हुए क्रोध एवं गर्व को शांत किए। अयोध्या में आकर अपने पिता जो अपनी स्त्री में आसक्त था, ऐसे पिता के वचन को स्वीकार करके अपनी प्राप्त लक्ष्मी को छोड़ करके 14 वर्ष तक वनवास में व्यतीत किए और वनवास काल में काम वासना से कलुषित रावण की बहन सुपर्णेखा को विरूप किए और उसके पक्षपाती जो उसके भाई थे खरदूषण त्रिशिरा आदि 14,000 राक्षसों का वध किए। इसके बाद जब रावण सुपर्णेखा के द्वारा अपने नाक कान कटने की सूचना को सुना और साथ ही सीता जी के सौंदर्य का वर्णन सुना, सुपर्णेखा जाकर के रावण से कहती है कि भैया वो वन में आया है जो अयोध्या के राजा दशरथ का बेटा राम और लक्ष्मण, उनके पास मैं गई थी, नाक कान कट गया, उसका रिपोर्ट दे रही थी। रावण पूछ रहा था कि कैसे काट दिया, किसने काटा, तो रिपोर्ट देते देते सुपर्णेखा कह रही है कि भैया उन लोगों के साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है, बड़ी सुंदर, सीता नाम है, उसको देखकर मेरा मन एकदम मचल गया, एकदम झूठ बोल रही थी रावण से। और रावण उसके बात में आ गया और कहने लगी कि इतनी सुंदरी है कि उसको देखते ही मेरे मन में आया कि ये तो मेरे भैया के पास रहना चाहिए, तो मैं सोच रही थी कि उन दोनों राजकुमारों को मार करके और उस सीता को लाकर आपको दे दूं। इतना बढ़ा बढ़ा कर बोल रही थी, रावण एकदम विश्वास कर लिया। अब जब सुना उसके मुख से सीता के गुणों को, रूप को, सौंदर्य को, तो उसके मन में सीता के रूप सौंदर्य आदि के विषय में वासना जग गया और फिर अपने मामा को उत्साहित किया, ने सोने का हरिण बनने के लिए कहा। कथा तो लंबी है, वाल्मीकि रामायण में रामचरितमानस में विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी विस्तार से वर्णन नहीं कर रहे हैं, संक्षेप में कर रहे हैं कि इस प्रकार मारीच को सोने का हिरण बनाकर रावण भेजा पंचवटी में, जहाँ भगवान अपना आश्रम बनाए थे, कुटिया जहाँ सीता रहती थी। तो मारीच हरिण बनकर गया और बड़ा सुंदर सोने का हरिण जब कुटिया के सामने इधर उधर फुदक रहा था तो सीता जी देखी तो कही, अरे बड़ा सुंदर है, अरे प्रभु इस हरिण को मार कर इसका चमड़ा लाइए, हम लोग आसन बनाएंगे, बहुत सुंदर है, सोने का हरिण है। भगवान अपनी प्रिया की बात रखने के लिए गए और इधर रावण भिक्षुक के रूप में आकर के सीता का हरण कर लिया। रावण सीता का हरण किया और सीता से बिछुड़ करके भगवान अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऐसे दीनहीन भाव से सीता का खोज करने लगे और जगत को यह शिक्षा देने लगे कि स्त्रियों में आसक्त पुरुषों की दशा क्या होती है, जिसका चित स्त्रियों में आसक्त होता है उसकी क्या दशा होती है। फिर आगे बाली का वध करके सुग्रीव से मित्रता किए और बंदरों की सहायता करके सीता का पता लगाए, उन बंदर भालुओं की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई किए, समुद्र पर पुल बांधे, बहुत बड़ा बड़ा काम किए। सुग्रीव, नील, अंगद, हनुमान आदि वीर वानरी सेना लेकर लंका में प्रवेश किए। वहां लंका में रावण के साथ युद्ध की घोषणा करके श्री भगवान उन बंदरी सेना के साथ कुंभ, निकुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि अनेक राक्षसों का वध किए और उसमें भगवान श्री राम के तेजस्वी बाण से रावण भी मारा गया। और जब रावण मारा गया तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि रावण के वध हो जाने पर रावण की स्त्रियां रो रही थी, हा हताश म वयम नाथ लोक रावण रावण कम आया क्षरणम लंका त्वद विहिना पराधिता, हाय हाय आप मारे गए, हे स्वामी हम आज बेमौत मारी गई, एक दिन वह था जब आपके भय से तीनों लोक कांपता था, सारा लोक कांपता था आपके भय से, और आज आज वह दिन आ गया है कि ये शत्रु इस लंका को तहस नहस कर रहे हैं, ये लंका अधीन है,
किसके अधीन रहेगी लंका, आपके बिना लंका सुनी हो गई है। लेकिन हे नाथ, आप विचार नहीं किए, आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन आप कामी थे, आपके अंदर इतनी कामना थी कि आपकी ये दुर्दशा हुई है। स्त्रियां कह रही हैं, नैवम वेद महाभाग भवान काम वशम गतः, आप काम के अधीन थे, सीता को पत्नी बनाना चाहते थे, तेजो अनुभावम सीताया जैन नीतो दशा मीमाम, आप सीता को कामुकता में भर कर लाए थे, इसलिए आपकी ये दशा हुई है। हे नाथ, आप मनमाना किए हैं, आज उसका फल उपस्थित हुआ है, और ये लंका विधवा हुई, हम लोग विधवा हो गई, सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका यह शरीर जिसके लिए आपने कुछ नहीं छोड़ा, जघन्य पाप करते रहे, वो शरीर आज गिद्धों का आहार बन गया है, इसको गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। यह सब आपकी ना समझी और कामुकता का परिणाम है। अब आपका शरीर गिद्धों का भोजन और आत्मा नरक नरक जाएगा। देह कीर्तोनम गिरधाणाम, आत्मा नरक है तवे। आप अपनी कामुकता के वशीभूत होकर ऐसा किए और इसका परिणाम यह हुआ। इस तरह से रावण की पत्नियां रो रही हैं। फिर भगवान श्री राम से आज्ञा लेकर विभीषण अपने स्वजनों का अंत्येष्टि क्रिया किए और भगवान विभीषण जी को लंका का राजा बनाए। और फिर उस अशोक वाटिका में जो अत्यंत दीन बदना सीता जी पड़ी थी, उनको भगवान लाए और पुष्पक विमान, कुबेर जी के विमान पर चढ़ करके अयोध्या आए। अयोध्या में अयोध्या वासी भगवान के वन से आगमन का इंतजार कर रहे थे, मुख्य रूप से भरत जी जो नंदीग्राम में रह करके तपस्या कर रहे थे। जब तक भगवान नहीं आए तब तक भरत जी तपस्या करते थे और भगवान के चरण पादुका को, खड़ाओं को राज सिंहासन पर रख दिए थे। और मुख्य रूप से 14 वर्ष तक राजपाट का दायित्व इन शत्रुघ्न जी के ऊपर था। शत्रुघ्न ही राज्य को संभालते थे मंत्रियों के साथ। और भरत जी तो नंदीग्राम में आकर के केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते थे पूरा 14 वर्ष तक। बलकल पहनते, पृथ्वी पर सोते थे, कोई राजपाट नहीं, जटा बढ़ा लिए थे और दुखी होकर इस तरह से भगवान का स्मरण कर रहे थे कि हमारे प्रभु वन में चले गए हैं, मैं कैसे रह सकता हूँ। जब इनको सूचना मिला कि भगवान आ रहे हैं, इनको सूचना सबसे पहले जाकर हनुमान जी दिए। और फिर नंदीगाम से आए और बड़ा मंगल साज सजाकर भगवान की अगवानी किए, वेदवादी ब्राह्मण वेद मंत्रों से उच्चारण करके भगवान के आगमन का इंतजार कर रहे थे। सब जगह सजाया हुआ था अयोध्या बड़ा सुंदर, वहाँ की सेठ साहूकार प्रत्येक जनता अपना दुपट्टा हिलाकर भगवान का स्वागत किया, सब गदगद हो गए, सबके आंखों में आंसू। और भगवान सबसे पहले पुष्पक विमान से उतरे तो भरत को गोद में लेकर के इतना गदगद हो गए कि भगवान के आंखों से आंसू निकला और भरत का अभिषेक हो गया। इतना भरत जी के पकड़कर भगवान रोए और भरत जी के आंखों से भी आंसू निकला और भगवान का चरण धो दिए भरत, उनके चरण को पकड़कर। इस प्रकार पादुका सामने रखे और कहे, प्रभु आपका यह पादुका, आप इसे पहनिए और अयोध्या में चलिए। इसके बाद भगवान फिर अपनी माताओं से मिले और सारी प्रजा बड़ी सुखी है, सब जगह बड़ा सुख संपन्नता छाया हुआ है। तो इस तरह भगवान श्री राम को पा करके अयोध्या की जनता बहुत प्रसन्न है। वशिष्ठ जी भरत जी के प्रार्थना पर, जनता की प्रार्थना पर भगवान श्री राम को फिर से अभिषेक करके अयोध्या के राजगद्दी पर बैठाए। भगवान श्री राम जिस समय राज सिंहासन पर बैठे, उनके साथ सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इतना सुंदर लग रहे थे, जिस प्रकार बृहस्पति जी के अध्यक्षता में इंद्र शोभा पाते हैं, उस प्रकार वशिष्ठ जी के नेतृत्व में भगवान श्री राम का वह राज्य बहुत सुंदर लग रहा था। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान राजा हुए तो अद्भुत राज्य हुआ, इतिहास में एक आदर्श राज्य हुआ। उस राज्य की क्या विशेषता थी कि उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सबके सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान था। बनानी नद्यो गिरयो बरसाणी द्वीप सिंधव सर्वे काम दुखा आसन प्रजानाम भरतर सभा। कह रहे हैं कि सभी काम दुखा थे,
जनता के इच्छा के अनुसार वर्षा होती थी, जहाँ चाहिए वहाँ वर्षा। अगर गांव के गलियों में वर्षा की जरूरत नहीं, कीचड़ हो जाएगा तो वहाँ नहीं, खेत में चाहिए खेत में, जितना चाहिए उतना। और फिर कहते हैं, नाधि व्याधि जरा ग्लानी, दुख शोक भय क्लमा, मृत्यु निक्षताम नासिद, रामे राजन धोक्षजे। राम के राज में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई मानसिक दुख नहीं, शारीरिक दुख नहीं, न आधी न व्याधि। आधी कहते हैं मानसिक टेंशन को और व्याधि कहते हैं शारीरिक दुख को। तो राम के राज में न आधी था न व्याधि, न जरा, न कोई बुढ़ापा, बूढ़ा भी नहीं होता था, और न ग्लानी, न किसी प्रकार का टेंशन दुख कुछ भी नहीं, न शोक न भय, भूतकालिक दुख भी नहीं, वर्तमानकालिक दुख भी नहीं, और न भविष्यकालिक दुख, कोई भय भी नहीं। यहाँ तक कि मृत्यु सा निक्षताम नासिद, रामे राजन धोक्षजे। हे राजन, हे परीक्षित, सुन लीजिए ध्यान से, जो मरना नहीं चाहता था उसकी मृत्यु भी नहीं होती, जो उब चुका था शरीर जीते जीते जीवन वही मरता था, जो नहीं चाहता था उसकी मृत्यु नहीं होती थी। उस समय कोई बुखार बीमारी कुछ नहीं, कुछ नहीं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। इसीलिए गांधी जी देश स्वतंत्र करके राम राज की कल्पना कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि बिना राम के राम राज की कल्पना किया जा रहा है। दुख शोक भय क्लमा, मृत्यु चा निक्षताम नासिद, रामे राजन धोक्षजे। नहीं था इस प्रकार भगवान के राज्य में, सब कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं। इस प्रकार भगवान एक पत्नी व्रत धारण किए, केवल सीता जी को ही पत्नी बनाए, कोई दूसरा विवाह नहीं किए, गृहस्थोचित धर्म की रक्षा किए, धर्म का आचरण किए। सीता जी भी अपने पति के हृदय की भाव जानती थी, प्रेम से, सेवाशील से, विनय से, लज्जा से, सब तरह से अपने पति के चित्त को चुराए रहती थी। ऐसा स्वभाव सीता जी का था कि भगवान सदैव सीता जी को बहुत चाहते थे, बहुत मानते थे। तो इस प्रकार आगे के अध्याय में भगवान श्री राम वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में यज्ञ किए, सारे भूमंडल का जो भी राज्य इनके पास था, यज्ञ करता ब्राह्मणों को सब कुछ दान कर दिए, सारे भूमंडल का राज्य। केवल वर्णन सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि सीता जी के जो मांगलिक वस्त्र थे, गहना कपड़ा और उनके श्रृंगार के लिए जो भी सामान था, उसको छोड़कर सब कुछ दान कर दिए। और ब्राह्मण लोग फिर से लौट आए और कहे कि हे प्रभु, आप हमारी आज्ञा से इस राज्य को लीजिए और आप राज्य कीजिए। तो इस प्रकार प्रभु ब्राह्मणों की आज्ञा से राज्य को चलाते थे। उनका चरित्र अत्यंत महान है, अत्यंत पवित्र है। हे भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। ब्राह्मण लोग इनको नमस्कार कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों को नमस्कार कर रहे हैं। एक बार की घटना है कि भगवान राम अपने वेश को छिपाकर प्रजा के दुख को देखने के लिए घूम रहे थे, तो स्वयं अपने कान से सुन लिए, एक जगह एक व्यक्ति अपनी पत्नी को डांट रहा है और डांटते हुए कह रहा है, अरे तू दुष्ट है, उल्टा है, तू पराए घर में रात को रुक कर आई है, मैं स्त्री लोभी राम नहीं हूँ, जैसे राम सीता को रख लिया और रावण के पास रही फिर भी रख लिया, तुमको मैं नहीं रख सकता। भगवान तो सुनकर चकित हो गए, सारी जनता राम 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 दुहाई राम की, दुहाई राम की, और इधर एक साधारण व्यक्ति अपनी पत्नी को डांट रहा है और कामी के लिस्ट में राम को उदाहरण दे रहा है, कह रहा है, नाहम विभर मित्वाम दुष्टाम अस्तिम परवेश गाम, स्त्री लोभी विभ्रियात सीताम, रामो नाहम भजे पुनः, मैं राम नहीं हूँ कि सीता को जैसे रख लिया वैसे रख लूंगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में सबको खुश रखना टेढ़ी खीर है, ये बहुत कठिन काम है कि सभी व्यक्ति को खुश रखा जाए। भगवान श्री राम ये बात सुनने लगे और चर्चा होने लगी, ये लोकापवाद फैल गया कि राम सीता को रख लिया, सीता दूसरे के घर में रुक कर आई है। तो अब भयभीत हो गए लोकापवाद से और लक्ष्मण जी को आज्ञा दिए कि लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ाओ। उस अवस्था में सीता को वन में छोड़ा गया जिस समय सीता जी गर्भवती थी, और लक्ष्मण जी नहीं चाहते हुए भी भगवान राम के आज्ञा से सीता को वन में ले जाकर छोड़ दिए।
और सीता जी भी आसानी से चली गई, जो प्रभु की यही आज्ञा है चली गई। और संयोग से सीता जी को वाल्मीकि जी का आश्रय मिला, उनके आश्रम में गई और वहाँ जा करके वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। और उसी आश्रम में समय आने पर वाल्मीकि जी के आश्रम में दो पुत्रों को जन्म दी, जिनका नाम हुआ कुश और लव। इस प्रकार चारों भाइयों को दो दो पुत्र हैं, श्री भगवान राम के कुश और लव, उसी प्रकार लक्ष्मण के अंगद और चित्रकेतु, भरत के तक्ष और पुष्कल, और शत्रुघ्न के सुबाहु और सुरसेन। सुखदेव गोस्वामी उसी क्रम में सबके पुत्रों का नाम रखते हैं। सीता जी पुत्रों को वाल्मीकि जी को सौंप दी, वाल्मीकि उनको शिक्षा दिए, पढ़ाए। संक्षेप में कथा कह रहे हैं, भरत जी दिग्विजयी करके करोड़ों गंधर्वों का संहार किया, इसका वर्णन करते हैं। और उनका धन लेकर भगवान राम को दिए, दिग्विजय के लिए भाइयों को भेजे थे। शत्रुघ्न जी मथुरा नगर बसाया। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी को सौंप दी और भगवान राम के चरणों का ध्यान करते हुए पृथ्वी लोक में चली गई। मुनौ निक्षिप्य तनऊ सीता भर्त्रा विवासिता अध्यायंती राम चरणो विवरम प्राविवेश। 15 श्लोक में तश्रुत्वा भगवान रामो रुद्धन नपि धिया सुचः स्मरण तस्या गुणान स्थान स्ता ना शक्नोद रोद धूमीश्वर। यह समाचार जब भगवान सुने कि सीता पृथ्वी में प्रवेश कर गई, तो अब शोकावेश को नहीं रोक पाए अपनी बुद्धि से, परम समर्थ होकर भी नहीं रोक पाए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि उन्हें जानकी के पवित्र गुण बार बार स्मरण होता था, बार बार स्मरण होता था। वो बहुत दुखी हो गए भगवान राम। भगवान जो भी व्यवहार कर रहे हैं, स्त्री पूर्ण प्रसंग एतादृक सर्वत्र त्रासमावह अपीश्वराणाम किमुत ग्रामस्य गृह चेतस। हे परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष के संबंध इसी प्रकार के दुख का कारण है। यह बात जब बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में है, तो फिर गृहासक्त पुरुषों के विषय में कहना ही क्या है। भगवान भगवान है, कोई पुरुष नहीं है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ये साधारण पुरुष नहीं है, महापुरुष है। और ऐसे महापुरुष सीता के वियोग को नहीं सह पाए, बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, इतना दुखी हुए वो जाने के लिए तैयार हो गए इस पृथ्वी को छोड़कर, और अपने सारी जनता को लेकर गए। तो इस प्रकार भगवान अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए, 13,000 वर्ष तक अग्निहोत्र किए, और अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में जो भगवान स्थापित किए अपना चरण कमल, जो दंडक वन के कांटों से बिंधा हुआ है, उन्होंने अपने स्वयं धाम, अपने धाम साकेत को चले गए। स्वपाद पल्लवम रामम राम ज्योति रगातत, उस अपने चरण कमल को लेकर भगवान अपने धाम को चले गए। तो इस प्रकार भगवान राम का ये दिव्य चरित्र है। अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पुरुषो रामचरितम श्रवणे रूप धारयन आन निशंस्य परो राजन कर्म बंधैर विमुच्यते। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता कोमलता आदि गुण प्राप्त होते हैं। और केवल इतना ही नहीं, वह समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त करता है। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि वो किस प्रकार अपने भाइयों के साथ और प्रजा के साथ व्यवहार किए। अपने भाइयों के साथ तो उनका व्यवहार सब जानते हैं, बहुत प्रेम करते थे, उनको लेकर के बड़ा सुंदर शासन किए और प्रजा के हर सुख पर विचार करते थे। सब तरह से प्रजा उन सुखी रहती थी, जहाँ भी भगवान जाते वहाँ ही इनके चरित्र का गान होता था। प्रजा का निरीक्षण करते थे, केवल महल में ही नहीं रहते थे, घूमते थे, जनता के पास जाते थे भगवान, सब चीज सब तरह के सुख सुविधा प्रदान करते थे। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कमी नहीं था, प्रकृति अनुकूल थे, देवता अनुकूल थे, सब ठीक, भगवान स्वयं प्रसन्न थे। तो इस प्रकार भगवान श्री राम आत्मा राम जितेंद्रिय पुरुषों के शिरोमणि है। उसी महल में अपनी प्राण प्रिया परम प्रेममयी पत्नी सीता के साथ विहार करते थे। अयोध्या के राजभवनों में अपने परम प्रेयसी सीता के साथ भगवान विहार किए, और सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा करते हुए अयोध्या के राज्य को
उपभोग किए और जनता को सुखी किए। यह कहकर कथा समाप्त कर, एक बार कह दिए कि भगवान चले गए, लेकिन कथा की समाप्ति भगवान को राजा राम के रूप में व्यक्त करके करते हैं। तो इस तरह भगवान श्री राम की कथा पूरी हुई अति संक्षेप में, जबकि आदि कवि वाल्मीकि ने विस्तार से वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में मार्कंडे जी ने भी वर्णन किया है, महाभारत में भी राम कथा है विस्तार से, बड़ी प्रसिद्ध भारत वर्ष उसमें रामचरितमानस के रूप में राम कथा बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ दो अध्यायों में राम कथा भागवत में आया है जो इस रूप में पूरा होता है। तो उसी इक्ष्वाकु वंश के कुछ राजा शेष राजाओं का वर्णन है। कूश जो राम के पुत्र हैं, कूश के अतिथि निषद, अतिथि के निषद, निषद के नभ, बारहवा अध्याय में नभ के पुंडरीक, पुंडरीक के छिमधनवा, छिमधनवा के देवानिक, देवानिक के अनीह, अनीह के पर्यात्र, पर्यात्र के बलस्थल, बलस्थल के वज्रनाभ, वज्रनाभ के खगण, खगण के विधृति, विधृति के हिरण्यनाभ, आ हिरण्यनाभ जैमिनी के शिष्य और जोगाचार थे। और ये जाग बल्लक ऋषि इनकी शिष्यता स्वीकार करके अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण किए थे। हिरण्यनाभ ब्राह्मणों को भी शिक्षा दिए, बहुत तेजस्वी राजा हुए। हिरण्यनाभ के पुष्य, पुष्य के ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि के सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के शीघ्र और शीघ्र के मरु, मरु योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर आज भी कलाप ग्राम में रहते हैं, आज भी जीवित हैं। कलयुग के अंत में जब सूर्य वंश नष्ट हो जाएगा तो ये फिर से चालू करेंगे। मरु के प्रसुश्रुत, प्रसुश्रुत से संधि और अमरसण, अमरसण के महस्वान, महस्वान से विश्वाह, विश्वान के प्रसेनजीत और प्रसेनजीत तक्षक और तक्षक से बृहद बल, और भविष्य के विषय में बृहद बल का पुत्र होगा बृहद्रण, और बृहद्रण से उरुक्री होगा, भविष्य की बात कर रहे हैं। फिर वत्स वृद्ध और इसके प्रति व्योम, फिर भानु, भानु के सेनापति दिवाक, और फिर उनके वीर सहदेव और उनसे बृहदस्व, बृहदस्व के भानुमान, भानुमान के प्रतिकाश और सुप्रतीक, फिर उनके मरुदेव, मरुदेव के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के पुष्कर, पुष्कर के अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के सुतपा, सुतपा से अमित जीत, अमित जी से भरद्वाज, भरद्वाज से बही और इनका कीर्तंजय, कीर्तंजय से रणंजय और इनके फिर संजय, और संजय शाक्य, और सुधोद, और सुधोद के लांगल, लांगल के प्रसेनजीत, प्रसेनजीत से सुद्रक, सुद्रक के रण, और रण से सूरत, सूरत अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा, और कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा सूर्य वंश। इस तरह से एक लिस्ट केवल प्रस्तुत करते हैं। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन केवल 16 श्लोक में करते हैं, और मैं श्लोकों को न पढ़कर सभी राजाओं का नाम पढ़ दिया, केवल बस यही, और कलयुग में सूर्य वंश समाप्त हो जाएगा। तो इक्ष्वाकु के एक और पुत्र थे नीमी। तो नीमी महाराज के वंश का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। नीमी इक्ष्वाकु के पुत्र थे। एक बार उन्होंने जग का आचार्य वशिष्ठ जी को वर्णन किया। वशिष्ठ जी से नीमी महाराज कहे कि यज्ञ करना है, भगवान विष्णु की आराधना करना है। वो कहे कि बाद में कर लेना, अभी इंद्र का निमंत्रण आया है, वो यज्ञ कराना चाहता है। इंद्र का यज्ञ करा कर जब लौटेंगे तब तुम्हारा यज्ञ कराएंगे। नीमी महाराज सोचने लगे कि जीवन का कोई निश्चय है नहीं, कब जीवन खत्म हो जाएगा, हम बाद में यज्ञ करेंगे। तो दूसरे ब्राह्मणों को पुरोहित मानकर यज्ञ चालू कर दिए नीमी महाराज। आज जब वशिष्ठ जी लौटे तो देखे कि निमी यज्ञ कर रहा है। तो पहले ही व्यवस्था बना दिए थे निमी महाराज कि जब हमारे गुरु महाराज लौट जाएंगे तो फिर उनकी अध्यक्षता में यज्ञ चलेगा। लेकिन निमी को के व्यवहार को देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा क्रोध आ गया। पूछे भी नहीं कि क्यों इस तरह किए हो, अब वह श्राप दे दिए, श्राप दे दिए कि तुम्हारा देह पात हो जाए, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। निमी महाराज को भी बड़ा क्रोध हुआ, वो भी वशिष्ठ जी को श्राप दे दिए कि आपका भी देहपात हो जाए। बस दोनों दोनों को श्राप दे दिए। एक जगह वर्णन हुआ है कि मित्रा वरुण द्वारा उर्वशी के गर्भ से वशिष्ठ जी पुनः जन्म लिए। निमी महाराज देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे थे, जब देहपात हो गया और ऋषि लोग जो ब्राह्मण लोग यज्ञ करा रहे थे तो देवता लोग उस यज्ञ में प्रकट हुए। तो देवता लोग जब प्रकट हुए तो
ऋषियों ने कहा कि हमारे राजा को आप लोग जीवित कर दीजिए, आप शक्तिशाली हैं। तो देवता लोग कहे कि आपके राजा इस रूप में अब नहीं रहेगा, अब सबके आंखों पर पलक के रूप में, निमी रूप में रहेगा। लेकिन उन लोगों को संतोष नहीं हुआ, ऋषियों को कहे नहीं, आप हमारे राजा को, हमारा राजा नहीं है, अराजकता फैल रहा है, इसलिए हमारा राजा चाहिए। तो देवता लोग कहे कि इस राजा के शरीर अब नहीं हो पाएगा, लेकिन चलो जिला देते हैं। निमी महाराज का देह जो गिर गया था उसको मथा गया, तो जैसे पृथु महाराज निकले उसी प्रकार उस देह से राजा निकले, तो जन्म लिए, मंथन करने से जन्म लिए, इसलिए उनका नाम हुआ जनक। तो जनक जब उत्पन्न हुए तो जनक जी कहने लगे कि नहीं नहीं, देह बड़ा घातक है, देह रहता है तो दुख होता है, बीमारी सीमारी बुढ़ापा मृत्यु, देह है तो इसका पतन होगा ही, मृत्यु होगी, हम बिना देह के रहना चाहते हैं। अब लोग कहने लगे कि नहीं, आप राजा रहिए, इसी रूप में रहिए, लेकिन आप पर देह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। देवता और ब्राह्मण मिल करके उनको विदेह बना दिए, देह में भी रहते हुए विदेह हो गए, और उनको मथ कर उत्पन्न किया गया, इसलिए मिथिला मिथिल नरेश कहा गया, मथ कर मथने से निकले। तो एक ही राजा का नाम हुआ जनक, मिथिल और वैदेह। तो वैदेह उनका नाम हुआ, मिथिल नाम हुआ, और उन्होंने उस नगर को बसाया सजाया, इसलिए उस स्थान का नाम मिथिलापुरी कहा गया। तो मिथिला के वंश में उत्पन्न सभी राजा मैथिल कहलाए, और सभी विदेह कहलाए, और सभी जनक कहलाए। उनके परंपरा में 8-9 राजा हुए, सबको विदेह कहा गया। और इसी वंश परंपरा में एक शिरध्वज नामक विदेह राजा हुआ, जिनको जनक भी कहा गया, मैथिल भी कहा गया, मिथिल भी और वैदेह भी। वही शिरध्वज जग करते समय जब अकाल पड़ गया था तो धरती सोने के हल से जोत रहा था जनता के सुख के लिए ऋषियों के कहने पर, तो उसी हल के सिर से नोक से एक कलश में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ सीता, जो जनक जी की पुत्री कही गई। निमी महाराज के बाद वाले सभी राजाओं को जनक कहा गया, तो इसलिए ये जनक शिरध्वज जनक है, जिन जो सीता जी के पिता माने गए, और इसी से उनका नाम शिरध्वज पड़ा। सभी मैथिल नरपति प्राय विदेह आत्म तत्व ज्ञान संपन्न माने गए, अर्थात सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त रहे सभी परंपरा से। तो जाग बलकादि जोगेश्वरों की इन पर बहुत बड़ी कृपा रही। यह है निमी महाराज के वंश का संक्षेप में वर्णन, ये बड़े बड़े जोगेश्वरों के।